पकड़ो उसे। ए छोड़ना मत इसको। काट डालो। चलो उसे। चलो। बच कर नहीं जाना चाहिए। इसका नाम गणेश है। गांव कुट्टा पड़ी का रहने वाला है। ये भागने वाला आदमी नहीं है, बल्कि दूसरों को भगाने वाला आदमी है। आज ये भाग रहा है तो इसके पीछे 600 लोगों की जान की बाजी लगी हुई है। सूरज उगने से पहले अगर ये अपने गांव की सीमा पे नहीं पहुंचा, तो इसके गांव को खत्म कर देंगे। ये और इसके गांव वाले अगर अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं, तो इसका कारण है उत्तकट्टन। उत्तकट्टन इसे सब लोग जानते हैं। कोई भी गांव में कुछ भी फंक्शन हो तो ये पहले जाके खड़ा हो जाता है। ये शोहरत से बहुत प्यार करता है। इसे शोहरत बहुत पसंद है। ये शोहरत 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 ही है। लेकिन अगर शोहरत किसी और को मिल जाए तो ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। ये अपनी जायदाद में तो हिस्सा दे सकता है, लेकिन शोहरत में कोई हिस्सा मांगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ये कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। भाई चाय है लेकिन गरम नहीं है। गरम करेगा तो रहेगी ना। नहीं समझा। भाई आग लगा दूं क्या? ए, जब मैं बताऊं तो गरम करना। ठीक है भाई। वो गरम है क्या? आप गरम कर। ठीक है भाई। गवर्नमेंट से लड़ने चले हैं, जेल का खाना पक्का है लगता है। मैंने कुछ नहीं सोचा भाई। मैं भी वही सोच रहा था। चले गाड़ी स्टार्ट करेगा तो ना। अरे चिल्ला मत बुढ़िया, वो आएंगे। भाई भाई अकेले मत जाना। भाई मेरी बात मानो। क्यों रे, चिल्लाना चाहिए था ना भाई। उसके लिए अलग पैसा मांगेंगे। भगवान की तरह हमें बचा लिया, ये सबको बोलना, समझ गया? भाई साहब तुम बोलो। आपने भगवान की तरह आके मुझे बचा लिया। भाई भाई वहाँ मत जाओ भाई। वो बुढ़िया कुछ भी पकड़ेगी, जाओ उसका ध्यान रख। दादी माँ तो ठीक है ना? अरे पानी नहीं चाहिए। ये लो पानी पी। मेरा पोता अंदर फंसा है, उसे बचाओ। साहब जी छोड़ी, साहब साहब हंसिका की तरह एक लड़की ढूंढियो और आपको पुण्य मिलेगा। बाहर मेरे बारे में बात करना, समझ गया? आप मेरे वंश को बचाने वाले भगवान हो। आप 100 साल तक जियो। चले जाओ। साहब आप भगवान। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है। कलेक्टर आए हैं तो इनके सामने ड्रामा कर रहा है क्या? नहीं भाई, अपनी जान की परवाह न करते हुए तुमने लोगों की जान बचाई, ग्रेट। जाओ जाकर देखो। ग्रेट सर, इस गांव में टोटल 600 लोग हैं, उसमें से भी 2 लोग जलकर मर जाएं तो 588 लोग। चुप रहे, 598 बचेंगे। तू और 10 लोगों को मारना चाहता है क्या? गांव का नाम क्या है? कोतापाड़ी। मेरी जानकारी में तो 2000 लोग हैं। वो तो 10 साल पहले की बात है। कोतापाड़ी में अभी तक एक अस्पताल भी नहीं बना है। लेट्स होल्ड द प्रोजेक्ट। वेरी गुड। यस सर। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए साहब। उसके बदले 7 गांव को मिलाकर आप हॉस्पिटल बनाने की परमिशन दे दीजिए। हॉस्पिटल बन जाएगा तो हमारे गांव के लोग भी और दूसरे गांव के लोग भी आकर उसमें आराम से इलाज करा सकते हैं। ये काम करा दीजिए साहब। गुड आइडिया, मैं इस बारे में सोच के बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले कुट्टापड़ी गांव में 2000 लोग रहते थे, लेकिन आज सिर्फ 600 लोग बचे हैं। इसका कारण 15 साल पहले इसकी की गई बेइज्जती है। मंदिर में मुंडन करा रहा है, बाहर गांव के लोग हैं क्या? अरे पहले मुंडन बंद करो, इस वक्त कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्यों शुभ काम में बाधा डाल रहे हैं? गांव में कुछ बुरा हो गया है, इसलिए मंदिर में कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता है। आप मुंडन बंद कर दीजिए। हमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम दीजिए, हम मुंडन करवा कर यहाँ से चले जाएंगे।
देखो इस समय गांव का कोई पंडित मंदिर में नहीं जाता और तुम बच्चे का मुंडन इस समय बिल्कुल भी नहीं कर सकते, समझे? नहीं तो गांव के लिए बुरा होगा। भगवान सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी हैं। तुम तो शादी करके बेटा बने हो और हम पैदाइशी बेटा हैं। जिस दिन से शादी करा दिया था उसी दिन से जिम्मेदारी खत्म। हाँ, लेकिन आधा मुंडन यहाँ करेंगे आधा मुंडन कहाँ करेंगे? पलाई में करा, त्रिवेंद्रम में करा या बालाजी में करा? सब उठाओ, जाओ निकलो। आप चुप रहिए, दोनों गाँव में झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग जाइए जाइए, चलिए हम लोग भी चलते हैं। सब लोग चलिए चलिए सब लोग। ए उत्तकंठन, ये तूने मेरी पोती को आधा मुंडवा दिया, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उत्तकंठन तूने क्या किया? मेरी कुलदेवी हो तू, साल में सिर्फ एक बार ही मेरे गांव में आती हो और पूरे साल यहाँ रहती हो, इसी कारण आज मेरी बेइज्जती हुई है। अब तुम्हें मैं इस गाँव से मेरे गांव में ले जाकर स्थापित करूंगा, उसके बाद ही मेरी बेटी का मुंडन कराऊंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगा। जिस तरह दुर्योधन ने पांडवों को देश से बाहर निकाल दिया था, उसी तरह बच्चे की मुंडन न होने की वजह से उत्तकंठन की जो बेइज्जती हुई, उसी कारण गाँव के लोगों को धीरे धीरे बाहर निकालता गया। जीते रहो जीते रहो। तुम नौकरी करने बाहर जाने वाले थे, क्या हुआ? साहब जी, त्रिपुरा में काम मिल गया। बस दो दिन में चले जाएंगे। ठीक है, जाकर आओ। नमस्ते सर। भाई साहब, गांव की हालत देखो, इस गांव में तो कोई भी आदमी रहना ही नहीं चाहता है। जिस गांव में मंदिर ना हो उस गांव में नहीं रहना चाहिए, लोग कहते हैं। लेकिन जब लोग यहां नहीं रहेंगे तो इस गांव में मंदिर और भगवान की क्या जरूरत है? तो भगवान कहां जाएंगे? मेरे गांव में आएंगे, परमानेंटली वहीं रहेंगे। तब इस गांव के लोग अपने बच्चों का मुंडन कराने वहां आएंगे, उस समय सबको मार डालूंगा। अगर मारना ही चाहता है तो जहर देकर मारे, ये शक्कर देकर क्यों मारना चाहता है? ये तो बड़ा ही खतरनाक विलेन है जी। चाय की दुकान कहाँ है? ये रहा भाई साहब, टाइगर पांडे से मिलना था। ये पतंग काट दीजिए, वो आ जाएगा। टाइगर अगर जंगल में हो या शहर में, टाइगर टाइगर ही होता है, और उसे काटने की हिम्मत किसने की? लगता है तुम उसे नहीं जानते, इसलिए तुमने उसकी पतंग काटी। हाँ मैं हूँ। अगर मैं डरूंगा तो ये मुझे और डराएगा। पतंग काटने का कारण क्या है? हाँ, रोड रोलर गायब हो गया, इसलिए तुम्हारे फ्रेंड गणेश से मिलना है। शाबाश, बहुत अच्छा। पिछली बार अमेरिका का मिसाइल गायब हो गया था, कहाँ मिला? यह गांव में किसी के छत पे गिरा था, मेरे दोस्त ने उसे ढूंढ के दिया। अरे पिछली बार वो रशिया की पनडुब्बी भी गायब हो गई थी, तो मेरे दोस्त ने तालाब में डुबकी मारी, उसको ढूंढा और जल्दी से बाहर निकाला। अरे फिल्म स्टार श्रुति हसन का दिल गायब हो गया था भाई, 8 दिन से चक्कर मार रही थी तो उसको ढूंढ रही थी वो। उसका दिल मेरे पास था, भाई ने बोला तो मैंने दे दिया। अरे कटप्पा की तरह क्या देख रहे हो, सच कह रहा हूँ मैं। ये सारी बातें छोड़ो, बोलो गणेश कब आएगा? आपने मुझे बताया ना, तो सिग्नल भाई तक पहुँच गया होगा। ऑफिस में जाके वेट करो, वो आ जाएगा। ऑफिस? हाँ। वो कहाँ है? अरे यही तो ऑफिस है, आप ऑफिस में खड़े हो। ये ऑफिस है? हाँ। ए ऑफिस बॉय, चिपकली वाले दूध की चाय इन सबको पिला दो। ठीक है जी, अभी पिला दो। பிறந்த ஊருக்கு புகழச்சேரு பழந்து நாட்டுக்கு பெருமை பாய் ஆயோ சரி டைம் பே ஆயா வோ ரோட் ரோலர் காயப் கர்க்கே ஹமே யஹா வஹா குமா ரஹா ஹை கணேஷ் ஆகே எக் சஷ்மா பஹனே ஹோ தோ டீக் ஹை பர் பீச்சே எக் சஷ்மா க்யூ பஹனே ஹோ தேகியே மேனே ஆகே சஷ்மா பஹன் ரக்கா ஹை யே பீச்சே வாலே கோ கைசே பதா சலேகா இஸ்லியே பீச்சே எக் ஸ்டெஃப்னி ரக்கி ஹை சாரி பாப் மேனே பூச் கே கல்தி கர் தி நிகலியே कैसे है भाई? क्यों टाइगर, ऑफिस में ये फालतू की भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे ये आपसे ही मिलने आया है भाई। ऑफिस? ओ, ये आपका रोलर है, गायब करने की चीज है क्या? इतना भी नहीं समझते सिल्ली फेलोज। ये लो पांडे, मैंने ढूंढ लिया रोलर, इनको इनकी अमानत दे दो। ए, हमें बेवकूफ समझा है क्या? हमारी जानकारी के बगैर ये रोलर लाकर गांव की रोड और गली के रोड बना के रोलर कहां है पूछे तो यहां है वहां है बोल के हमें घुमाया, इससे 50,000 रुपए का लॉस हो गया हमारा। रोलर भाड़ा सब मिला के 1,08,000 रुपया, पहले वो पैसा रख देना। सिंगल चाय की कीमत 8 रुपया जी। वो 8 रुपए भी हम नहीं दे सकते,
चलो रे स्टेशन चलेंगे। अभी तक ट्रेन आई नहीं होगी। हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। ओ। ओ, चलो ना कोर्ट ही चलते हैं। मम्मी हमने 100वीं बार पंचायत में कदम रखा है, मुबारक हो। अच्छे से पॉइंट की बात करना। अब देखो, इसके पिताजी जब जिंदा थे तो उन्होंने गांव के लिए बहुत काम किया। आज उनका बेटा भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहा है, गांव के लिए अनेकों काम कर रहा है। इसी तरह गर्भवती को अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसे बच्चा पैदा हो गया। फसल हुई तो उसे बेचने का मौका नहीं मिला। बच्चे कच्ची सड़क से स्कूल जाते थे, ये देख के मेरा बेटा दुखी हो गया। उसने रोलर ला के रोड को ठीक कर दिया। ये सब करना गुनाह है क्या जो आप लोगों ने मेरे बेटे को पंचायत में खड़ा कर दिया? भाई माँ बहुत अच्छा बोलती है, इसे तो हाईकोर्ट में वकील होना चाहिए। साहब जी मैं धंधा छोड़ के आया हूँ, मेरी बात मान लीजिए साहब जी। भाई आप चुप रहिए, आपका बेटा गांव के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। वो पूरे गांव के विकास की बात कर रहा है, अपने फायदे की बात नहीं। उसमें पूरा क्या है? पूरा गांव मिलके भीख मांगो। खैर छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ अभी जितने पैसे है उतने आप ले लो, बाकी पैसों के लिए ये जो बेंच पे चार बुड्ढे बैठे हैं ना, इनसे बढ़िया से काम लेना। और चार पाँच महीने के बाद अगर ये मर भी गए ना, इनकी बॉडी लेने आ ही जाएंगे। क्यों भाई आपको मंजूर है ना? ओके उठा लो इन्हें। क्या उठाएगा, क्या उठाएगा है? क्या उठाओगे तुम लोग? अरे उठा के दिखा, दिखा उठा के। 11 चाय, 10 रुपए की भजिया, 4 इडली, 7 पाव, 3 बीड़ी के बंडल, ये सब का हिसाब कर दो, उसके बाद किसी को उठाने की बात करना। समझे कि नहीं? अच्छा हुआ हमारे चाय के पैसे भी इनसे ही वसूल कर रहे हैं। ए चुप रहो यार, हम होशियार नहीं है तो क्या बेच देंगे? बेचोगे तो भी नहीं खरीदेंगे। ए गणेश काम धंधा नहीं, दिन भर गाँव में घूमते रहते हो और हमें टॉर्चर करते हो। किसको बोल रहे हो, हम फालतू के लोग हैं क्या? आदमी एक गांव में पैदा होता है, दूसरे गांव में पढ़ता है, तीसरे गांव में सेटल हो जाता है। अपना खुद का गांव अच्छा रहे ऐसा कितने लोग सोचते हैं? ऐसा एक सोचे तो गांव अच्छा रहेगा, सब सोचेंगे तो देश अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, देश ताकतवर बनेगा। इंडिया को पावरफुल बनाने के लिए ये जंग लड़ रहा हूं भाई, मुझे तो पता नहीं था हम इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं क्या। अच्छा बहुत अच्छा। गणेश तुम इस तरह की बातें मत करो वरना नाम खराब होगा। इसका नाम खराब ना हो इसलिए इसका नाम फ्रिज में रख देंगे। ओए मुच्छड़, मेरे लिए नाम जरूरी नहीं, ये गांव ज्यादा जरूरी है। तुम चारों को अगली पंचायत में देख लूंगा, चलो चलते हैं। और अगली बार पंचायत बाहर मत रखना, व्हाट्सएप पे रखना या तो वॉकी टॉकी पे रखना, हम बात कर लेंगे। हम तो पहनते ही नहीं। क्यों भाई ये क्या कह रहा था? उत्ता कट्टन अपनी गाँव में फैक्ट्री बनाएगा यही बोल रहा है। इस तरह फालतू लोग काम पे चले जाएंगे और झगड़ा करने के लिए कोई नहीं बचेगा। वो सब तो ठीक है पर पैसे के लिए क्या करें? क्या करेंगे, पैसे के लिए सबका दरवाजा खटखटाएंगे और क्या। आज का तो अदा हो गया, दोबारा देना पड़ा तो खेत बेचना पड़ेगा। बस कीजिए सासुमा, मैं सुबह से वहाँ पंचायत देख रहा था, उसने गलती की है तो आप पैसे क्यों दे रही हो? सुनो बेटा तुम गणेश के बारे में नहीं जानते हो, उसने हमारे लिए और गांव के लिए बहुत से काम किए हैं। डॉक्टर को बुलाते थे तो भाग जाता था, वकील को बुलाते थे तो दूसरों से बात करके पैसा लूट के चला जाता था। इसलिए उसने अपने गांव के दो बच्चों को, एक को डॉक्टर और दूसरे को वकील बनाने के लिए अपनी कमाई से पढ़ाया लिखाया। उन्हीं दोनों को बुलाने के लिए चेन्नई गया था। जब गाँव में टॉयलेट नहीं था तो फिर हमें क्यों बुलाने आया था? गणेश गाँव में तुम्हारे पास कुछ काम तो है नहीं, मेरे पास ड्राइवर है नहीं, तुम चाहो तो यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर सकते हो। क्या रे, मेरे पिताजी ने तुझे पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया और तू मुझे ड्राइवर बनाना चाहता है? अरे तो तुम्हें पढ़ना चाहिए था ना। मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा था इसलिए तुम दोनों को पढ़ाया ना। ए गाड़ी रोक यहाँ। गुस्सा क्यों दिखा रहे हो स्टूपिड? ए रुको, हमारे पिताजी ने पढ़ाया, हमारे पिताजी ने पढ़ाया यही बोलते रहते हो। ये लो जितना तुम्हारे पिताजी ने खर्च किया लिख लेना। मेरे पिताजी ने तुम लोगों को दान दिया था और मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ भीख। गांव का विकास कैसे करना है मैं जानता हूँ, ये ले। ए गणेश। उसके बाद गणेश अपने हिसाब से गांव के लिए अच्छा काम कर रहा है। फालतू घूम रहा है इसलिए मैंने गलत समझ लिया, फालतू घूमने में भी वो सोशल सर्विस कर रहा है, अब मुझे पता चला। पैसा दे दीजिए। अच्छा बहुत अच्छा। सुनो ना जिंदगी एक मेला है या हाँ, जिसमें लाखों झमेला है या जीना है इसमें दुनिया में रह के, ये दुनिया है एक बाराती, हंसना हंसाना है काम अपना, खुशियां हैं हमको बुलाती, आजा मिलके धमाल
करके, अरे जो भी होगा मिलके काम करेंगे, शामिल हम सबके साथ रहेंगे। रोशन करेंगे ऐसे ही नाम, फेसबुक लाइक करना रात दिन का काम, अम्मा और अप्पा में मेरी ना कभी जोड़ी बनाई क्या रब ने सही, बेशक ना कारे थोड़े आवारे थोड़े पटीचर मगर क्या हुआ, करने की कोशिश करे सबकी सेवा मगर उल्टा हो जाए तो क्या हुआ, धूम मचाएगी अपनी टोली बंद कर देंगे हम सबकी बोली, सुन लो छोड़ो रहने भी दो, सुनो ना जिंदगी एक मेला है यार। पढ़ते हैं बेकाम के और कुछ ना करते उन्हें क्या कहूँ, राइट है क्या पता रॉन्ग है क्या पता, लेकिन दिलों का राजा हूँ मैं, सांसों में खुशबू है बातों में जादू है बहती हवाओं का झोंका हूँ मैं, मस्त में मस्त होके झूमेंगे हम, किस्मत में क्या है क्यों सोचेंगे हम, होना है जो वो होके रहेगा, सुनो ना मेला है यार, अरे जिसमें लाखों झमेला है यार, जीना है इसमें दुनिया में रह के, ये दुनिया है एक बाराती, हंसना हंसाना है काम अपना, खुशियां है हमको बुलाती, आजा मिलके कमाल करिए, अरे जो भी होगा मिलके काम करेंगे, शामिल हम सबके साथ रहेंगे, अरे जो भी होगा मिलके काम करेंगे, शामिल हम सबके साथ रहेंगे। हाय फ्रेंड्स, हम सबसे मिलने के लिए और हमसे बात करने के लिए एक खास वीआईपी आए हैं। आइए। आ रहा हूँ। ठीक है, शांत रहिए। सब लोगों को मेरा नमस्कार। कम एनर्जी वाले बच्चों को हमें एनर्जी देनी चाहिए। कंपटीशन में पहले आने वाले बच्चे की तारीफ करने वाले हम लास्ट आने वाले बच्चों को भरोसा दिलाना भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स को मार्क्स की जरूरत नहीं है, रिस्पेक्ट की जरूरत है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम मार्क्स हासिल करने वाले 3 स्टूडेंट्स को प्राइज देने के लिए आया हूँ। पूरे जिले में 1200 मार्क्स में से 191 मार्क्स लाकर संतोष आखिरी तीसरे नंबर पर आया है। थैंक यू सर। मुबारक हो, ये प्राइज लो। सर फोन सर। ब्रदर, तुम्हें जिंदगी में ढूंढने की जरूरत नहीं, इसमें गूगल सर्च है। क्या बात है। बिल्कुल, पढ़ाई में जो मुश्किल लगता है वो इससे पढ़ सकते हो, इससे तुम्हें सुधार आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। निकलो। इस मौके पर आप क्या फील कर रहे हो? इस मौके पे मैं अपने माँ बाप को थैंक यू कहना चाहूंगा। वो रोज 10 बजे का अलार्म लगाते हैं मगर मैं नींद से उठता नहीं हूँ। 11 बजे कॉफी देते हैं, मैं पीता नहीं हूँ। 12 बजे मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते हैं, भली बुरी बातें सुनाते हैं, लेकिन इस वक्त मैं मेरे दोस्त कुमार को धन्यवाद कहना चाहूंगा। अगर मेरा दोस्त कुमार मुझे अपना पेपर नहीं दिखाता तो मैं पास नहीं हो पाता। थैंक्स यार कुमार, ये सब तेरी वजह से। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? 10 बजे मत उठना, थोड़ा जल्दी उठो। 10 बजे सर। थैंक यू मैडम। जिले में आखिरी दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला है सतीश। शर्माओ मत, ये है तुम्हारा प्राइज, ये लो।
तुम्हारे फेल होने का कारण है कि तुमने एक सेल नंबर हासिल करने के लिए एक लड़की के पीछे घूम घूम के टाइम वेस्ट किया। ये उसका नंबर है, अभी इस पे फोन करोगे तो वो नहीं उठाएगी, लेकिन अगर तुम पास हो जाओगे तो अभी वाले बॉयफ्रेंड को छोड़ के तुम्हारे साथ घूमेगा, ऐसा मुझसे वादा किया है। आप तो एकदम नो, ये पैर वैर पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, जाओ बैठो। मैडम मेरा भाषण? तुम्हें भाषण देने की जरूरत नहीं है, पहले अपने प्यार को बचाओ फिर भाषण देना तुम। ठीक है। अब हमारे जिले में क्या हमारे देश में 1200 मार्क्स में से सिर्फ 99 मार्क्स लेकर आखिरी पहला नंबर लाने वाली स्टूडेंट है लीलावती। पिछले 4 सालों से आप लगातार फेल होती जा रही हैं। इसकी खास वजह है कि आप कहीं पर भी कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा खा लेती हैं। इसलिए आपके पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। सो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए साइकिल, आप हर रोज साइकिल चलाएंगे ना तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। इससे आपको फायदा होगा कि आपका ब्रेन ब्राइट हो जाएगा, उसके बाद तो डिस्ट्रिक्ट ही नहीं पूरे स्टेट में फर्स्ट आ सकती हैं। जिन्हें प्राइज नहीं मिला वो मायूस ना हो, सब लोगों को प्राइज मिलेगा, प्लीज कम टू द स्टेज। ये लो, हाँ शर्माना नहीं, ये लो। थैंक यू सर। सबको मोर का पंख मिला ना, इस पंख को बुक में रखना और बुक की बातों को दिमाग में रखना, फिर सब पास हो जाओगे। ओके एए, इस डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए हुए स्टूडेंट्स को मैंने जो प्राइज दिए थे वो बात न्यूज पेपर में छपी है क्या? ये वो न्यूज नहीं है, ये न्यूज है, अद्भुत तरीके से सोचे जवान। अरे न्यूज़पेपर क्यों फेंकते हो, जिसने लिखा है मैं उसी को लाया हूँ। ये रहा प्रोसीड। इसकी शक्ल तो पहले से ही घिसी हुई है। हमने 867,675 रुपया 45 पैसे खर्च करके बड़ा सा स्टेज बनाकर पूरे जिले के लोगों को बुलाकर प्राइज दिए और सोचा कि 4 डॉक्टर 4 कलेक्टर बनेंगे तो ये देश ताकतवर बनेगा और हमारा फोटो न्यूज़पेपर में छपेगा तो लोग देखकर हमारी तारीफें करेंगे। तू क्या सोचता है कि मेरी सोच इतनी छोटी है? उसी पेपर में किसी का बड़ा सा फोटो डालकर उसके बारे में न्यूज लीक कर तू क्या सोच रहा है कि हमें जलन होगी? मैं ऐसा नहीं हूँ, समझ गया? जी हाँ, पास हुए लोगों को पेंसिल देना, पेन देना, रबर देना, नोटबुक देना, ये सब तो लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का जरा अलग सोचता था, इसलिए मैंने इसकी फोटो निकाल ली। मुझे तो लगता है एक दिन ये बड़ा आदमी बनेगा जी। अभी चश्मा हिलेगा और बकरा कटेगा। क्या यहाँ मुझे ज्ञान देने आया है? रुक जाओ, एक प्रेस रिपोर्टर को मार मार कर कंप्रेस कर दिए, यहाँ लाओ उसे। कैसे मारते हैं ये लोग, हड्डी टूट जाए तो भी काम करते हैं ये लोग। आइए सर, आइए, संभाल के आइए, बैठिए। ए सर के लिए जूस लेकर आओ। ये क्या कर रहा है तू? सर बैठे हुए हैं, सर के बगल में तू भी बैठ गया, उठ। तमाशा चल रहा है क्या? चलो जाओ अपना अपना काम करो। चाय बनाना तो सीख गया। पेपर में फोटो छपवा के बहुत फेमस हो गए हो। यस यस। चमचागिरी मत का, जल्दी चाय बना। बगल के गांव में सुअर की बीमारी से कितने लोग मर गए, उसकी फोटो पेपर में आई है, उसके लिए वो फेमस हो गया है। इंसानों को सुअरों का बुखार आता है। सॉरी, मगर सुअरों को इंसानों का बुखार नहीं आता क्या? ठीक है, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है? वो सुअरों से पूछना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम जैसे लोगों से दोस्ती नहीं करता। दोस्ती? हमने तुमसे कब दोस्ती की थी? निकलो, कल आओ। नमस्कार। नमस्कार। भाई ये लोग आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं। इज्जत देने के लिए उठना जरूरी नहीं है, ये लोग नहीं उठे तो भी हमारे लिए चैलेंज है। आपको मान गया भाई। अब देखना, गणेश मैं उत्तर कट्टन, तुम्हारे पिताजी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। पेपर में पढ़ा था जीतने वालों से ज्यादा हारने वालों को दर्द होता है, उनकी तारीफ करनी चाहिए, ये बात तुमने मुझे सिखा दी। तुम्हें कुछ करना चाहिए, ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? निकाल रहे हैं। क्या ये किला? दोस्त की बात कर रहे हो? सोशल सर्विस में काम करने वालों को सोसाइटी में कहाँ काम मिलता है, देखो यहाँ बैठा है। तुम लोग एक काम करो, ये फोटो खींचना छोड़ के भाई की कंपनी में ड्राइवर और कंडक्टर की नौकरी कर लो। वैसा काम करने से पसीना आता है, इसलिए हम बाहर वाला काम करते हैं। ऐसा नहीं है सर, काम करने से ज्यादा अच्छा है लोगों को काम देना जिससे इज्जत बढ़े। तो तुम खुद का बिजनेस करना चाहते हो? मेरी कार की चाबी देना। क्या भाई? कार की चाबी मांग रहा हूँ। कहीं ये हमें गाड़ी साफ करने के लिए तो नहीं बोल रहे? ये लो मेरी कार, तुम रख लो।
क्यों, तुम्हें फाइल्स की प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, फाइनेंस प्रॉब्लम, इट्स ओके। ट्रैवल्स में गाड़ी चलाना, एक गाड़ी से 9 गाड़ी खरीदना और 4 लोगों को काम देना। ऐसा किया तो 5 गाड़ी खाली रहेंगे ना सर। इसका नंबर नोट करो। मोबाइल नंबर दो। मोबाइल नहीं। अरे मोबाइल नहीं। पढ़ाई में जीतने के लिए तुमने प्राइज दिए, जिंदगी में जीतने के लिए मैं तुम्हें प्राइज देता हूँ। अगर तुमने सही किया है तो मेरा भी गलत नहीं है, ये लो। अरे ले ले। ठीक है सर, आपने मेरा रूट फॉलो किया इसलिए मैं आपका रूट फॉलो कर रहा हूँ। गुड। सर बस से क्यों जा रहे हैं? आपकी कार से मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तुम मेरे रूट पर कार चलाओगे, इस रूट पर चलने वाली सारी गाड़ियां मेरी हैं। आप हमेशा इस गांव के लिए बुरा करते हो, लेकिन पहली बार आपने कुछ अच्छा काम किया है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा दोस्त, कार तो हमें मिल गई, लेकिन इतने पेट्रोल में ये कितने दिन चलेगी? 5 दिन बाद कार का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। माँ से पेट्रोल के लिए पैसे लेंगे, लेकिन वो भी कितने दिन तक पैसे देगी? जब कोई चारा नहीं होगा तो कार को ट्रैवल्स में डालेगा, नहीं तो हम मजबूर कर देंगे। वहाँ तो पहले से ही लोग मक्खियाँ मार रहे हैं, ये जाकर क्या कर लेगा? अगर और कुछ नहीं कर पाएगा तो पहचान के लोगों की शादियों में और फंक्शन में गाड़ी चलाएगा, तब इसकी सारी अकड़ ढीली पड़ जाएगी। ये एक मामूली ड्राइवर है, इसकी औकात क्या है? किसी क्लीनर की लड़की से इसकी शादी हो जाएगी। किसी लड़की से प्यार होकर शादी होकर आखिर में एक बच्चा पैदा होगा, अब उस बच्चे की खातिर दूध खरीदने के लिए लोगों से उधार लेना पड़ेगा। और थोड़े दिनों के बाद कार बेचकर वो रास्ते पर आ जाएगा। हमें रास्ते पर लाने के लिए इसने साजिश तो नहीं रची होगी ना? भाई मेरी बात सुनो, उस आदमी ने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें कार दी और तुम होके उसी पे शक कर रहे हो। देखो ऐसा शक करना गलत बात है। मैं गलत सोच रहा हूँ? अरे और नहीं तो क्या, जिसका बाप अनपढ़ हो वो बच्चा क्या पढ़ेगा? 12वीं में फेल हो जाएगा, फिर मैं जाकर उसे प्राइज दूंगा और तब मुझे ने आप पर बहुत गर्व होगा और फिर पूरे गांव वाले मेरी तारीफ करेंगे। भाई उसने कार तो आपको दे दी, मगर कार में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं दिए। गांव में पेट्रोल कहाँ मिलेगा पूछना? ए भाई, अरे तू नारियल तोड़ रहा है क्या? दिखाई नहीं देता क्या तोड़ रहा हूँ? अरे वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन तुझे एक बात पता है क्या, गाँव में पेट्रोल कहाँ मिलता है? आप थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ बैंक के पास मिलेगा। थैंक्स भाई। इस गांव में बैंक भी है? बगल में एटीएम भी है जी। इस रूट की तरफ गए तो वहाँ राशन की दुकान भी मिलेगी, बगल में अस्पताल भी बन रहा है, उसको पार किया तो बड़ी पानी की टंकी भी मिलेगी। हाँ ये देखो वाटर टैंक, हनुमान जी हाथ में लेके खड़े हैं। दोस्त इस छोटे से गांव को सिंगापुर बनाने वाले रामलिंगम से मिलके उसके रूट्स जान के हमारे छोटे से गांव को छोटा जापान बनाएंगे। वहाँ सड़क पे बिना पेट्रोल की गाड़ी खड़ी है और हम दोनों यहाँ पेट्रोल ढूंढ रहे हैं और आप हो कि गांव को छोटा जापान बनाने की सोच रहे हो। चाचा संभल के, उंगली विल में फंस जाएगी। सॉरी। कौन है ये रामलिंगम, बहुत पैसे वाला है क्या? पूरे गांव में पोस्टर लगाने के लिए पैसे खर्च किए हैं। अरे वो चिल्लर है, मेरे पास काम किया करता था, आधा लीटर पेट्रोल चोरी की मार के भगा दिया। भाई अब मैं पूरा मामला समझ गया, इस आदमी ने चोरी कर करके पूरे गांव को बदल दिया। उसने क्या किया? काम नहीं होगा तो फालतू ही तो घूमेगा वो। प्यार किया भी तो उत्ता कट्टन की बहन से किया, इसीलिए उसका जैकपॉट लग गया। उसकी बहन को कोई तकलीफ ना हो इसलिए पूरे गांव में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है उत्ता कट्टन। अच्छा तो गांव की सारी सुविधाएं उत्ता कट्टन ने दी, उसकी कोई और भी बहन है क्या? पूछ रहा हूँ यार। वो देखो भिखारी सामने से आ रहा, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। भाई दस औदार का कमल हसन आ रहा है, देख ले। पोस्टर में तो इसकी शक्ल गंदी दिख रही है सामने से, ये तो उससे भी गंदा है। भाई साहब आप इस गांव में नए आए हो क्या? इसमें पेट्रोल लेने आए हो? ये केरोसिन मिलाकर बेचता है, अगले हफ्ते नया पेट्रोल पंप खुलेगा, वहीं आके ले लेना। हमारे आधा लीटर पेट्रोल के लिए अब बैंक खोलने वाले हैं क्या? क्या बोला? नहीं 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 नहीं, वो भाई आपकी तारीफ कर रहे हैं। हर जगह घड़ी रोककर बेइज्जती करवाना आपको अच्छा लगता है क्या? भाई संभल के रहिएगा, पोस्टर पर नंबर लिखा है, जरूरत पड़े तो फोन कर लेना, समझे? भाभी का नंबर मिलेगा? बीवी का नंबर नहीं है, भाई का नंबर है, मैं चलता हूँ। थैंक यू टाइगर। मैंने कलेक्टर से लेके काउंसलर तक सब लोगों का काम किया, लेकिन उनमें से हमारे काम कोई नहीं आया। इस गांव की तरह हमारे गांव का विकास करने का फैसला मैंने कर लिया है। फैसला समझ गया भाई, अच्छी तरह से समझ गया। अरे बैंक ओनर जी, ऊदकटन की एक और बहन है क्या?
अरे मैं तेरे लिए ही बात कर रहा हूँ भाई। बैंक ओनर, उत्कटन को कोई बेटी है? शादी के लायक एक मस्त लड़की है। हाँ, अरे यार ये तो मैं सोच ही नहीं पाया, ये मेरी गलती है। बहन के लिए इतनी सुविधा दे रहा है तो बेटी के लिए क्या नहीं करेगा है? ये तो लंबा सोचा है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। आप लोग पैसा कैश दोगे या चेक दोगे? आप जैसा भी दोगे हम ले लेंगे। अगर आपके पास पैसा देने के लिए कैश नहीं है तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा है। तुम तो शादी के दूल्हे की तरह सिल्क का धोती और सिल्क का शर्ट पहन के आए हो। टाइगर, पहली बार मैं मेरी लवर से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ा सज संवर के जाऊँगा तो उसको इम्प्रेस कर पाऊंगा ना। हाँ बोल। कुट्टा पड़ी के गणेश बिन बुलाए शादी में आए हुए हैं और उनके साथ उनके दोस्त टाइगर पांडे भी आए हुए हैं। खाना शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। जिनके पास खुद खाने को पैसा नहीं है वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं। टाइगर, हाँ? वो पोस्टर देख रहा है? कौन सा? उत्कटन अपने परिवार के साथ इस शादी में आ रहा है। मैं तो मेरी लवर से मिले बगैर जाऊंगा नहीं। ऐसी बात है क्या? तो पूछताछ कर ही लेते हैं। अरे भाई साहब सुनो ना, वो छोड़ना। अरे रुकना, पूछ लेते ना वो। अरे हम खुद उसे ढूंढ लेंगे ना। भाई रुक जाना, एक बार पूछ ले तो दे। भाई सुनो तो, वो अंदर वेज है या नॉन वेज है? वेज। वेज है तो इतनी बड़ी मुझे क्यों बढ़ाई तुमने? निकले यहाँ से। अरे यहाँ पे वेज खाना है, चलो निकलते हैं यहाँ से। मंत्री जी शादी में नहीं आ रहे हैं लेकिन उनकी बेटी आ रही भाई, है। उसका बाप नहीं आने वाला, चल निकलते हैं। अरे रुकना, वो अपनी माँ के साथ आएगी। मंत्री जी की पत्नी कहीं बिजी है इसलिए वो भी इस शादी में नहीं आ सकती, केवल बेटी ही आ रही है। बाप आने वाला है ना उसकी माँ, और वहाँ पे नॉनवेज देने की बात कर रहे हैं। चलो वहाँ पर चलते हैं। उत्तकट्टन की इकलौती बेटी लीला आ चुकी है, आप लोगों के सामने है। देखिए अपनी कार से उतर रही है। वाह वाह क्या बात है, स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए। अब हमारे जिले में क्या हमारे देश में 1200 मार्क्स में से सिर्फ 99 मार्क्स लेकर आखिरी पहला नंबर लाने वाली स्टूडेंट है लीला। अरे भाई ये तो बहुत सुंदर है। ए, हाँ? इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। दिमाग नहीं है? ये मुझसे मैच नहीं होगी। तो मुझसे तो मैच हो ही जाएगी ना, गांव के फायदे के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। करो बैंड बजा बजाओ। यहाँ खाने में वड़ा नहीं है, तुम बना के रखना, मुझे खाना है आज। एक्सक्यूज मी, बोलिए। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। मैं लाइफ में जब भी टिकट लेता हूँ कोई दूसरा ही फिल्म देख के चला जाता है, जब भी टोकन लेता हूँ कोई दूसरा ही कॉफी पी के चला जाता है, जब भी मैं थाली लेता हूँ दूसरा ही खाना खा के जाता है, जब भी मैंने लुंगी सुखाने के लिए बाहर डाली कोई दूसरा ही पहन के चला जाता है। ऐसा इंसिडेंट हमेशा मेरी जिंदगी में होता ही रहता है, क्या करूँ? आप रोड पे रहते हैं? नहीं, दिल में। मैं दिल में रहता हूँ। कहते हैं ना कि एक इंसिडेंट इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है, और आज मेरी जिंदगी में बदलाव आ चुका है। समझ में आया? नहीं मुझे नहीं समझ आया। बिल्कुल बेवकूफ है। अरे एक गुड न्यूज है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। झुमरी तलैया यहाँ से कितनी दूर है? एबीसीडी में टोटल कितने वर्ड है? नहीं पता। धरती से चांद कितनी दूरी पर है? चांद की दूरी कुछ नहीं पता। तुम्हारी शादी हो गई क्या? तुम्हारी माँ की शादी हो गई क्या? अरे क्या कर रहे हो, मार रहे हो क्या? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये सारे सवाल मेरे नहीं है, ये सारे सवाल जिसने पूछने के लिए कहा है वो देखो वहाँ पे खड़ा है। वो क्या है कि वो तुमसे प्यार करता है और पूछने के लिए बोला था तुम उससे प्यार करती हो या नहीं। वो देखो हाथ में लव लेटर लिए खड़ा है। मैं तो बेकार में फंस गया हूँ। अच्छा हाँ। वो लड़का मेरे हाँ। प्यार में पड़ गया है, तुम जाओ उससे मैं देखती हूँ। ठीक है। हेलो। यस। ओ तो तुम हो, मुझसे प्यार करने के लिए साइकिल दिया था क्या? ये तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था। क्यों फाड़ा तुमने? अपॉइंटमेंट लेटर, पर उसने कहा था लव लेटर है। गांव के हजार लोग हजार झूठ बोलेंगे, सब पे भरोसा करोगी क्या? सॉरी जी। काहे का सॉरी? सॉरी बोलने से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा? मेरी लाइफ की लग ही गई। नहीं, पुरानी बात को याद रखकर आपने मुझसे बदला ले लिया। नहीं जी, उस लड़के ने आपके बारे में गलत कहा, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो ऐसा छोड़ूंगी नहीं। धोखेबाज, हे भगवान, इसने तो मुझे ही फंसा दिया। वो मिल जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी उसे खूब मारूंगा। वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? आपके पास फोन है ना, मुझे दीजिए, ये मेरा नंबर है, फ्री रहेंगी तो कॉल कीजिए, बात करते हैं। ये तो भाभी नहीं दे रही है। मुझे टेंशन हो रहा है, आप मेरी नजरों से दूर हो जाइए। इसे कैसे समझाऊं? आपने खाना खाया क्या? खाना खाया क्या? आप मुझसे ये पूछ रही है? एक तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ दिया, ऊपर से मुझसे पूछती है खाना खाया क्या। चली जाओ। अरे
मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए रुकिए, शादी में आके आप बिना खाना खाए गए तो दूल्हा दुल्हन की हनीमून अच्छी नहीं होगी जी। क्या कहा? ऑलरेडी शादी के 3 महीने पहले से हनीमून मना रहा है, इसके खाने ना खाने से क्या होगा? आप बिना खाए नहीं जा सकते, चलिए। खाइए खाइए, लड्डू एकदम मस्त है। थोड़ा शांत हो गया। अब आप क्या फील कर रही हैं? मैं कुछ नहीं फील कर रही। आपकी वजह से मेरी नौकरी चली गई, इस वजह से आपको बहुत बुरा लग रहा है। आपकी आंखों में दिख नहीं, रहा नहीं। है ऐसा लग रहा है आपको कोई याद कर रहा है। कोई और नहीं, आप ही हैं। आपकी फीलिंग देखकर लगता है रात भर आप सो नहीं पाएंगी, मेरे बारे में सोचती रहेंगी और सुबह मुझसे आदत भी बोलेंगी। नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे बोलेंगी आप? नहीं जी, मैं जानता हूँ आप बोलेंगी। कल सुबह 8:30 बजे लव यू बोल देना। लगता है आज काम हो जाएगा। ये तो इज्जत का कचरा कर रही है। आप ही से बात कर रही हूँ, जरा इधर आइए। देखो मेरी आंखें लाल हो गई हैं। हाँ ना, रात भर सोई नहीं होंगी, मेरे बारे में ही सोच रही होंगी, करेक्ट ना? ये बात नहीं है जी, किसके बारे में सोचूं, ये सोच के नींद नहीं आई और आंखें लाल हो गई। तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई हैं, तुम भी नहीं सोए क्या? सुनिए, रात भर मैं सोया नहीं इसके लिए लाल है। ऐसा क्या सोच रहे थे तुम? सब आपकी वजह से है। रात के 2 बजे किसी अजनबी का फोन आया था, पूछ रहा था कि मंडप में सिल्क साड़ी पहनी हुई लड़की ने तुम्हें किस किया क्या? ये क्या कह रहे हो आप? मैं कहाँ कह रहा हूँ, लोग ऐसा कह रहे हैं। और क्या बताऊँ आपको, सुबह 4 बजे ना एक प्रेस वाले ने फोन किया और पूछ रहा था कि ब्लैक कलर की स्कूटी वाली लड़की ने तुम्हारे रेप। कैसी बातें करते हो जी? हाथ हटाइए ना, बताता हूँ। बात ये है, आप मुझे लड्डू खिला रही थी ना, तब किसी ने फोटो खींची और फेसबुक पे डाल दी। एक दिन में 15,000 लाइक्स मिली हैं, मैं तो बदनाम हो गया। लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? जी हाँ, आजकल मुझे कोई गणेश के नाम से नहीं बुलाता, लीला का लवर, लीला का लवर, लीला का लवर कह के पुकारने लगे हैं लोग मुझे। लीला लवर जोड़ी सुपर। चो, 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 कौन है तू? बाद में मिल, तेरे को बताता हूँ मैं। ए छोड़िए उसे, आप इतना फील क्यों कर रहे हैं, जाके अपना काम करिए। मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, शादी तो मेरी टूट गई। आपकी शादी तय हो गई थी क्या? और नहीं तो क्या, वो तहसीलदार की लड़की से शादी तय हुई थी, नौकरी जाने से नाराज हो गए थे, फोटो देखने के बाद शादी तोड़ दी उन लोगों ने। आपने लेटर फाड़ दिया तो नौकरी चली गई, लड्डू खिलाया तो शादी ही टूट गई मेरी। आप चिंता मत कीजिए, मुझे मरने के लिए कोई कुआं या तालाब मिल जाएगा, उसमें कूद के। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं रात भर आपके बारे में सोच के एक अच्छा सा आइडिया देती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, खाना खा के सोना नहीं, संभल के जाना, बाय। क्या हुआ जानती हो? जल्दी खाना खाओ, बहुत देर हो गई है। आजकल मुझे कोई गणेश के नाम से नहीं बुलाता, लीला का लवर, लीला का लवर, लीला का लवर कह के पुकारने लगे हैं लोग मुझे। ए लीला, कल से तो उसी के ख्यालों में खोई हुई है। ए भगवान, अरे ये लड़कियां हैं, ये पहलवान जान ले रही है। बचा ले मुझे, अरे भागो 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 यहाँ से। मेरे टीचर पहले निकले यहाँ से। अरे पीछे हट जा। अरे तेरा नंबर कैसे आ गया? मैं पहले आई हूँ, ये मेरा नंबर है। दीदी ये टी शर्ट पहनने वाले लड़के को देखो, तुम्हारे हाथ में है, वो कैसे पहनेगा? पागल पागल हो, मुझे पागल कहती है तू? पागल ए तो आई है, पकड़ इसे। मेरी टी शर्ट है, अरे भागो जल्दी से, टीचर पहन। ए पागल रुक, मेरी जान ले लेगी। कहां भागो, कहां भागो? ए रुको, तुम लोग उधर से जाओ, ठीक हो? बोलिए लीला। सुनिए, शादी में जिसने हमें बेवकूफ बनाया था वो मुझे मिल गया है, मैं कॉलेज वाली गली में हूँ। आप उससे बात मत करो, वो बहुत डेंजरस आदमी है, मैं वहाँ आता हूँ। किसका दुपट्टा है, इतनी गंदी बदबू, अरे क्या कर रही हो तुम? मौत को अगर मारना है तो सीने पे मारो। नहीं तो, मैंने कहा सीने पे मारो। मारने के लिए नहीं यार। ये
ये तो पकड़ा गया, कहीं सच तो नहीं बताया इसने। कोई बात नहीं, अब संभालता हूँ। अब तो बच नहीं पाएगा। गुस्सा मत करे, उसे मत मारिएगा प्लीज। क्या है? वो कल रात मैंने बहुत सोचा आपके बारे में। सोचने से? आज हम दोनों फ्रेंड बने हैं तो उसी की वजह से, इसलिए मैंने उसे अपना ब्रदर बना लिया। आप इसे ब्रदर मान सकती हैं, लेकिन मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। भाई फोन बाद में बात करूंगा, बोल दो। जरूरी फोन है। बोला ना, बोल दे। ओके भाई, अभी बिजी है। मेरे ससुर की जायदाद देख रहे हो ना भाई, सारी प्रॉपर्टी का तू ही मालिक है। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। हाँ क्यों गणेश, गाड़ी ठीक चल रही है? पेट्रोल से चल रही है। क्यों टायर पे नहीं चल रही है? तू उनसे बकवास क्यों करता है?
थोड़ी देर चुप हो जाना। सर, 4 साल से गाड़ी चला के 4 लोगों का फायदा होने से अच्छा है कि 400 लोगों का फायदा एक साथ हो जाए। ऐसा एक चांस मुझे मिला है और इसीलिए मैं आपकी कार आपको वापस देने आया हूँ। ये लीजिए। अरे वाह, ऐसा कौन सा मौका मिल गया? वो मैं आपको कैसे बताऊँ कि दोस्त, अरे क्या कर रहा है यार? नहीं, मैं कैसे बताऊँ यार, इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है? नहीं पता, मुझे ना शर्म आ रही है। मैं बता दूँ क्या? वो क्या है भाई कि इसे पैसे वाली लड़की से प्यार हो गया है और इसीलिए शर्मा रहा है। वो क्या है कि जब प्यार हो जाता है तो इंसान थोड़ा बहुत शर्मा जाता है ना? ये उस लड़की के बाप को पता है क्या? नहीं, नहीं मालूम ना। वो एक ट्यूबलाइट है सर। लड़की का बाप ट्यूबलाइट हो और होने वाला दामाद फ्यूज बल्ब की तरह हो तो कैसे काम चलेगा? अब इसे कैसे समझाओ? अब मुझे ही देख लो, मैं एक ट्रांसपोर्ट का मालिक हूँ। अब मेरी बेटी जिसे प्यार करेगी वो कम से कम ट्रैवल्स ओनर तो होना चाहिए ना, है कि नहीं? बेटा हम चटनी की बात कर रहे हैं और भाई इडली की बात कर रहे हैं, समझा? गणेश, एक काम करो, कार की नंबर प्लेट येलो कर लो, तब हो सकता है उसका बाप ग्रीन सिग्नल दे दे। ये लो। अरे समझ के ससुर ने दहेज दिया है, रख ले। ठीक है सर, वैसे तो मैं किसी की नहीं सुनता, लेकिन लड़की का बाप बोल रहे हैं। आप भी एक लड़की के बाप है ना, तो आपकी बात मैं सुनूंगा। चलता हूँ सर, चलता हूँ। क्यों रे, उसने प्यार हासिल करने के लिए आइडिया दी या प्यार खत्म करने के लिए आइडिया दी? स्टाइल वाले कपड़े पहनकर कार से आने वाले लड़कों को आजकल की लड़कियां पसंद करती हैं। अगर लड़की को पता चल जाए कि ये लड़का ट्रैवल्स की गाड़ी चलाता है तो भाव ही नहीं देगी। वो ससुर बनके तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम होके उस पे शक कर रहे हो, ये गलत बात है भाई। मैं उसका खेल बिगाड़ दूंगा, देखना। जाने दे यार, हम नया ट्रैवल्स डे मना के हम कौन है बताएंगे। सेवा दी जाएगी तो सभी इस योजना का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, और ये सुविधा आज के लिए ही है, फ्री फ्री फ्री। अरे यार, ये मुफ्त की बात कर रहा है तो क्या ये हवाई जहाज में भी मुफ्त में बिठाएगा क्या? क्या ये लड़कियाँ तुम्हें पसंद नहीं? मुझे तो सब चलेगी। अच्छा सुनिए, अभी तक आपने एयर होस्टेस का नाम सुना होगा। जी, कार होस्टेस के बारे में सुना है क्या? कार होस्टेस? हाँ, जैसे आपको प्लेन में सुविधाएं मिलती है वैसे सारी सुविधाएं हमारे कार में मिलेगी, समझे क्या? अब दोनों लड़कियाँ मेरे लिए है ना, बच्चों की तरह लड़ रहे हो। सुनो, कौन सी गाड़ी के लिए कौन सी लड़की मिलेगी ये चिट्ठी डालकर देखेंगे, ओके ना? हाँ, ये ठीक है। चलो मिक्स करो, चलो एक चिट्ठी निकालो। अल्फोंसा, गो। चलो, देखो आपकी गाड़ी में ये आ रही है, चलो आपका परिचय दो इसे। हाँ, मेरा नाम प्रकाश है और प्यार से लोग मुझे भानु प्रकाश कहते हैं। वो क्यों जानती हो? मैं भानुप्रिया का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो देखो, मेरी गाड़ी का नाम भी भानुप्रिया रखा है, उसी नाम से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और आप भी देखो तो साक्षात भानुप्रिया ही लगती हो। अरे कितना बकबक करोगे, अरे ऐसे हिंदी नहीं आती। चलो यहीं बात करोगे तो रात हो जाएगी। चलो निकलो। ये ट्रेवल्स डे को मनाने वाला कौन है? उसका नाम है वो मैं ही हूँ। सर, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? हाँ, क्या पता इंटरव्यू लेते लेते प्यार हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। सर हेलो, माइक लगाना हो तो लगा दूंगी मैं। श्योर, थैंक यू। ये ट्रैवल्स डे की शुरुआत क्यों की है सर? गुड क्वेश्चन। दुनिया में जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे, समझी,
जैसे हमारे यूथ के लिए लवर्स डे होता है क्या? हाँ, उसी तरह से हमने सोचा कि ट्रैवल्स डे भी होना चाहिए, इसलिए हमने ये सब किया। आपको कैसा लगा? ठीक है, आपका मोटिव क्या है? नहीं नहीं, मैं मोदी जैसा नहीं बनना चाहता। नहीं नहीं, ऐसा। अरे ये तो आपका लक्ष्य क्या है ये पूछा मैंने। अच्छा, तुम लक्ष्य के बारे में बोल रहे हो। लक्ष्य का क्या होता है? वो तो हमारा लक्ष्य क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ। अरे भाई, तू तेरा खुद का सैटेलाइट चला रहा है, क्यों लोकल चैनल पे हाथ डाल रहा है मेरे भाई? ये तेरे बस की बात नहीं है, मैं जानता हूँ। ये नहीं सुधरेगा। दीजिए, ब्रेकिंग न्यूज है ना, मैं खुद बताता हूँ। हमारी कोशिश ये है कि एक छोटी सी ट्रेवल्स कंपनी को धीरे धीरे आगे बढ़ाकर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बनानी है, जैसे गणेश स्कूल बस सर्विस, गणेश एम्बुलेंस सर्विस, गणेश सैंड लॉरी सर्विस, ये सब शुरू करके लोगों की सेवा करनी है। आप सेवा की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप डॉक्टर हो। सुनिए, पेशेंट को बचाने वाले डॉक्टर को इज्जत देंगे, इतने सारे लोगों की जान बचाने वाले ड्राइवर को इज्जत नहीं देंगे? तो डॉक्टर को ही भगवान कहते थे, लेकिन अब ड्राइवर को भी भगवान कहना पड़ेगा। क्यों नहीं कह सकते? ऑटो में 3 लोगों को, कार में 6 लोगों को, ट्रैवलर में 20 लोगों को, बस में 50 लोगों को, फ्लाइट में 100 लोगों को, शिप में 1000 लोगों को, ट्रेन में 1500 लोगों को सेफली पहुंचाने वाला हर ड्राइवर भगवान। दिन रात अपनी जान हथेली पर रखकर पैसेंजर्स को सही सलामत उनके परिवार तक पहुंचाने वाले ड्राइवर को ट्रांसपोर्ट कंपनी के फायदे में से 10% क्यों नहीं दे सकते? आप तो उसे बंद नहीं करवा पाए, अभी तो उसने हिस्सा मांगा है, अब वो बनेगा किंग। मामा, आप भी 7-8 बस रख लो, किसी दिन आप भी टीवी पर इंटरव्यू दोगे और रेडियो पे बातें भी करोगे। सिर्फ एक कार से वो शुरुआत कर रहा है, अभी उसका सपोर्ट नहीं किया तो बस ऑनर एसोसिएशन के मंत्री भी नहीं बन सकते हो, और फिर फोन करने के लायक भी नहीं रहोगे। चश्मा रेडी है। ए, बहुत हो गया, जाने दो। मामा, आपने अपने भांजे को मारा। मामा, मेरे बोलने से पहले इन लोगों ने मार दिया, मसाज करवा दूं क्या? मैं घर जाके मैं मसाज करवा लूंगा, बहुत मार पड़ी है यार। क्यों भाई, आप टेंशन में लग रहे हो? नहीं भाई, आप कूल हो। क्या कहा? कूल दिख रहा हूँ मैं, इतने टेंशन में हूँ, तुझे कूल दिख रहा हूँ तुझे। भाई आप कूल हो, टेंशन में नहीं हो। जल्द ही तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने वाला हूँ। अरे नहीं, इतनी जल्दबाजी क्यों? पहले मैं 12वीं पास कर लूँ, उसके बाद। पास होने के बाद? फिर तो इस जन्म में शादी नहीं होगी। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम किसी और से शादी कर लो, मैं तो 12वीं करने के बाद ही शादी करूँगी। कॉपी करके पास हो जाना। ये पहली वाली लड़की इसकी बेटी है क्या? क्यों रे, गाड़ी इतनी स्लो क्यों चला रहा है? कुछ नहीं भाई। कुछ बोलना चाहता है तो बोल दे। मैं अपने मुंह से कैसे बोलूं? तो फिर मेरे मुंह से बोल दे, मैं बताऊं क्या? वो गणेश और मेरी बेटी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठकर लव कर रहे हैं। यही ना? भाई मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए, गणेश को ड्राइवर आपने बनाया लेकिन आपकी बेटी ने उसे ड्राइवर से मालिक बना दिया। चाय बेचने वाले को कार दे दोगे तो और क्या होगा? ना रायण, मैं प्यार का दुश्मन नहीं हूँ रे। मैंने अपनी बहन की शादी किससे करवाई है? पेट्रोल पंप पर काम करने वाले आदमी से। एक गरीब आदमी से अपनी बहन की शादी करवा के मैंने कितना नाम कमाया है, उसी तरह मेरी बेटी की शादी उस ड्राइवर से करवा कर मेरी बेटी की नज़र में मैं अच्छा भी हो जाऊंगा और यूथ में मेरा नाम भी हो जाएगा कि मैं महान आदमी हूँ। लेकिन वो लड़का मेरी जगह पर पहुँचना चाहता है और मेरी तरह बनना चाहता है। अगर वो आगे बढ़ गया तो मेरे रास्ते का रुकावट बन सकता है। मैं भी क्या फालतू की बातें करने लगा। भाई आप साइलेंट हो गए? जब मैं साइलेंट होता हूँ तो दूसरों से बातें करवाता हूँ। आगे देख। कुट्टापाड़ी जाने वाले सभी यात्री यहाँ उतरो, आगे बस नहीं जाएगी। क्यों भाई, क्यों नहीं जाएगी बस? ऐसा थोड़ी होता है, जबरदस्ती है क्या? थोड़ी जाएगी, मजाक थोड़ी है। देख लो, तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं। क्या प्रॉब्लम है? ये बोल रहा है बस आगे नहीं जाएगी, ऐसा कैसे? क्यों नहीं जाएगा? कटन की बस है, छोड़ रहा वरना आग लगा देता। तो क्या कर सकते हो, आपके गांव के गणेश ट्रेवल चलने से ही प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा बहुत लॉस हो रहा है। ए, उतरो चलो, कुट्टापाड़ी गांव वाले सब उतरो, चलो आओ आओ बाहर आओ, निकलो जल्दी, आगे जाना भाई। चलो चलो, पैदल ही जाना पड़ेगा। गाँव में बस जानी चाहिए, इनकी ये मांग है, लेकिन मेरे सामने एक प्रॉब्लम है, मैं सोचता हूँ कैसे बताऊँ। भाई एक तो पहले से प्रॉब्लम हो रही है और नई प्रॉब्लम बता के हमें डराओ मत भाई। सुबह के 2:45 तक मैंने सोचा था, और क्या हुआ था भाई? उसके बाद 3 बज गए। सही है भाई, बात ही नहीं मान रहे हैं सारे बस ऑनर्स। मिलकर आपके गांव में एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके गांव का वो लड़का गणेश बस ड्राइवर्स को 10% शेयर देने की बात करके टीवी में इंटरव्यू दिया है।
बनने वाली फैक्ट्री में उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी ये सोचकर सब डर रहे हैं, इसीलिए इस फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट करेंगे, हम लोग यही सोच रहे हैं। सुनिए भाई साहब, आप गांव वालों से बदला मत लीजिए। भाई गांव के विकास के लिए क्या क्या प्लान हुआ था, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। ये कथा क्या जाने क्या होगा। आप लोग टेंशन मत लो, मैं एक अच्छा आइडिया दूंगा। वो गांव में फालतू में घूमते रहता है, गांव को तरक्की नहीं करने देगा। क्यों रे? हाँ। उसके साथ हमने क्या किया था? तो गांव वालों को बहुत परेशान करता था, तो भाई ने उसे पैसे देकर दुबई भेज दिया था। हाँ। और अब हाँ। गांव वाले मजे से जी रहे हैं। हाँ। कोई ऐसा रास्ता बताओ कि हमारी बात मान जाए। भाई वो किसी की हाँ? बात नहीं मानेगा, वो तेरा भाई है ना, क्या करें। तो फिर जैसा मैंने उस लड़के के साथ किया था वही करना होगा। मैं गाँव छोड़कर क्यों जाऊंगा, विदेश जाकर विदेशियों का नौकर बनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अपने देश में जिम्मेदारी का काम कम है क्या? ओए, विदेश जाकर विदेशियों के सामने हाथ पैर जोड़कर भीख मांगने की ना हम हिंदुस्तानियों को जरूरत नहीं है। टीचर ने बताया था वो सब तो हमें भी पता है, लेकिन तुम यहाँ रह के करोगे क्या? क्यों भाई, इस गांव के फायदे के लिए कोई अच्छा काम करोगे भी या नहीं? अरे पहले तो अपने घर के काम तो कर ले, नीचे बैठ जा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बताता हूँ, हमारा प्लान ये है कि सरकार से हमें ऐसा सर्टिफिकेट। बस कर, अपना प्लान क्यों उगल रहा है? ए, तुम्हारे प्लान वलान के चक्कर में गांव वालों का नुकसान हो रहा है। ओ, आप चुप रहिए। अच्छा तुम मुझे बताओ, मैं गांव छोड़ू कि नहीं? नहीं भाई, आप गांव छोड़कर मत जाओ। कोकिला दीदी तुम बताओ। भैया तुम तो सब जानते हो ना, सबकी खबरें रखते हो, तो तुम जो कहोगे सही है ना। महिलाओं का पंचायत में क्या काम, घर जाओ। शराब पी के घर आना, फिर बताती हूँ मैं। शराब पी के घर पे जाएगा तब मजा आएगा। गणेश तुम्हारी वजह से हमने बहुत दान लिया है, आखिरी बार तुम्हारे लिए फिर दान ले लेंगे। तुम चुपचाप विदेश चले जाना, तुम्हारे विदेश जाने का खर्चा सारा गांव उठाएगा। अबे तू कल मर जाएगा ना, तेरे मैयत का खर्चा मैं दे दूंगा। देखो मुझ पे हाथ उठा रहा है। अरे ये पंचायत है या बच्चों का खेल चल रहा है? हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं निकल रहा हूँ। टाइगर हम भागेंगे नहीं। ओए तुम चार लोगों के बताने से मैं गाँव छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। ये ऐसे नहीं होगा, जैसे माथुर ने किया था वैसे ही इलेक्शन में वोट लेकर फैसला करना होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो माथुर के बारे में मैं भी जानता हूँ, वो ऐसा इंसान है कि उसके माँ बाप ने भी उसे वोट नहीं दिया, इसलिए इलेक्शन में हार के उसने गांव छोड़ दिया। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। दादा दादी चाचा चाची मौसा मौसी फूफा फूफी मामा मामी भाई बहन यार दोस्त आने वाले जाने वाले सारे गांव के साथ मैंने रिश्ता बना के रखा है। ताली बजा के सीटी मार के वोट दे रहे हैं, ये सब देख के सामने वाले का मुंह बंद हो जाएगा। अरे भाई भाषण दे रहा है, जीत गया तो आइडिया बदल दे क्या? डिस्कशन क्या कर रहे हो, डर गए क्या? मैं कौन हूँ ये बताने का वक्त आ गया है, मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूँ। अरे एक बार भाई ने बोल दिया ना, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त पे भाई को आजमा लेना, समझे? उसके बारे में हेडमास्टर बोलेंगे। हाँ तो सुनिए, कल के दिन छोड़ के संडे को इलेक्शन रखेंगे, उसी दिन रिजल्ट भी बता देंगे। इलेक्शन रूल्स यहाँ के हम फॉलो करेंगे। गणेश विदेश जाना चाहिए सोचने वालों को क्या सिंबल चाहिए? जाके लिया हवाई जहाज। गणेश तुम गांव में रहोगे, इसका क्या सिंबल चाहिए? जीत का सिंबल कहाँ है? ऑन द वे। वहाँ गणेश को सब लोग विदेश भेजने की तैयारी कर रहे हैं और तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रही हो। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे विदेश कोई भी नहीं भेज सकता, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। भाड़े का कैमरा है, संभाल के। ए, बंदर की तरह उछल क्यों रहा है? ए, औरतों के वोट भी जरूरी है यार। अच्छा हुआ ट्राउजर पहन के आया, फोटो अच्छा निकाल भाई। प्रूफ देना होगा तो चलेगा, लेकिन ये फोटो वाले की बेशर्मी नहीं सह सकती। अबे अंदर में नहीं बैठता क्या तू? कैसे फोटो सही है, कहीं पैर तो कहीं कान, शक्ल है ही नहीं। हा? एक भी फोटो सही नहीं खींचा तूने। दिखाओ। अरे हाथ पैर ले सकता हूँ तो शक्ल नहीं ले सकता क्या? कुछ भी फालतू बातें कर रहे हो यार। अरे यार फोटो तो मैंने सब सही लिए थे, पर कैमरा भंगा निकला ना, अब टूट गया। अब
तुम जाके दूसरा कैमरा ले आओ, मैं पास में ही रहता हूँ, जब चाहे बुला लेना। कौन तुम? हाँ मैं, बस अगली बार शर्ट दूसरी पहनना। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कल वोट देने के लिए आ जाइए। आऊंगा आऊंगा। आते समय अपनी पत्नी को साथ लाइएगा, हम दोनों जरूर आएंगे। हाँ, जी, क्या जी। कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि इनकी बेटी की शादी है, हमें परिवार के साथ इनके यहाँ पहुँचना है। मंदिर के डोनेशन के लिए यहाँ मत आना, हम कोई डोनेशन वोनेशन नहीं देंगे। अरे अगर आप वोट देंगे तो हमारा गाँव बहुत आगे बढ़ेगा। अपने दुश्मन इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। करने दो। नमस्कार भैया। नमस्ते। नमस्कार। हमें वोट देना भूलना मत। बदल के वोट मत दे देना। तुम्हारे बेटे के मुंडन के लिए पैसा इन्होंने दिया था। क्या मुंडन के लिए पैसा दिया? अरे भाई ने पैसा दिया था। ये क्या कह रहे हैं? इनका बच्चा खो गया मेले में, उसी को ढूंढने की बात कर रहे हैं। चलो चलो। धर्मालिंगा ने गांव के दूध वालों का वोट जमा कर लिया है। भाई इस गांव में हमारे से ज्यादा होशियार लोग हैं। होने दो। इन लोगों को काम करना कुछ है नहीं, बस नया नया आइडिया बना रहे हैं। अगर कोई गलती से वोट मांगने आए तो उसको काट डालूंगा। चलो रे यहां से चलो। और किसी ने भी वोट दिया तो टांगे काट डालूंगा, समझा कि नहीं? चलो अंदर चलो। इस बार वोट सब उसी लड़के को देंगे। लगता है इस बार हम हार जाएंगे भाई। यूथ को कवर करो, फुल ओपन छोड़ दो। हाँ बोलो, आज रात का प्लान बनने वाला है। हाँ अच्छे से ब्रश करो। आज रात वो लोग कुछ प्लान बनाने वाले हैं। बनाने दो। ये तुम्हारे लिए। अरे बात किया कि नहीं? बात कर लिया भाई, सारी बात कर ली मैंने। उनको भी दो ना भाई। किस किस का मंदिर बना रहे हैं? शराब बनाने वाले को मंदिर बनाना चाहिए क्या? क्या भाई? अपने लड़के हैं। ए, 10 से ज्यादा फोन कर लिया, माल अभी तक आया नहीं। अरे वो निकल गए, आ रहे होंगे। अरे कब से सुन रहा हूँ। माल आ गया रे, चलो उतारो। देख रहे हो दोस्त, हमें इलेक्शन में हराने के लिए ये लोग कितना नीचे गिर के काम कर रहे हैं। ये लोग गांव वालों के ऊपर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। ये काम कहीं उत्कटन का तो नहीं है भाई? तुम भी ना, वो इस तरह का आदमी नहीं है, वो ऐसा नीच काम नहीं करेगा। पहले तो हम इलेक्शन में जीतेंगे, उसके बाद इसके पीछे का पर्दाफाश करेंगे। पहले इस माल को गायब करते हैं। चल पहले राउंड के वोट की गिनती बताई जाएगी। सुनो बेटा, मिठाई तुमने मंगवाई क्या? मैंने नहीं मंगाई माँ। ओह, लीलावती स्वीट्स, अपनी लवर का काम है। बोलो लीला, तुमने मिठाई भेजी क्या? हाँ? मुझे पता है तुम्हें जीतोगे, इसीलिए तो मिठाई भेजी है। तुम्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद है ना, इसलिए। तुम्हारी फोटो भी साथ में भेज देती, स्वीट और स्वीट हो जाता। फोटो मैं बाद में भेज दूंगी, ठीक है? पब्लिक के बीच में प्यार की बातें चल रही है। ए टाइगर, हमें भी मिठाई मिलेगी क्या? कल आना, कल जींस पैंट और टी शर्ट भी देता हूँ। पागल। ए! पहले राउंड के काउंटिंग में कुर्सी सिंबल को 40 और हवाई जहाज को 10 वोट। टाइगर, हम लीडिंग पे हैं, चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। हम अगर मस्ती करना चाहेंगे भी ना तो वो हमारा साथ नहीं देने वाले। कोई बात नहीं, चल भाई।
साहब, हार तो कंफर्म हो गई आपकी। अब डर के मारे पेड़ देख के खुद को फांसी मत लगा लेना, जहर देख के पी मत जाना, करंट के वायर को छू मत देना, ऐसा फैसला गलती से भी मत करना। अगर आपने ऐसा फैसला कर लिया ना, तो बेइज्जती सिर्फ आपकी नहीं पूरे गांव की होगी। दीदी, अगर आपके घर में चूहे मारने की दवा होगी ना, तो उसे छुपा देना। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो टाइगर? क्योंकि ये पी के कभी भी निकल सकते हैं। अरे क्या है जी, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? ए, चल जा, निकल यहाँ से। अगली राउंड की काउंटिंग उनके पैंट के लिए हो जाएगी। सेकंड राउंड की काउंटिंग में कुर्सी को 150 और हवाई जहाज को 100 वोट मिले हैं। कुर्सी आगे है। एक हफ्ते में गांव छोड़ देंगे, अभी ये लोग कूद रहे हैं, जीत गए तो पता नहीं क्या करेंगे। अरे चुप रहो यार, क्यों टेंशन दे रहे हो। वोट काउंटिंग खत्म हो गया है, अब फाइनल काउंटिंग का राउंड शुरू होने जा। क्या हुआ सर, क्या हो गया? पावर कट गया है भाई, अभी हमारे सर आएंगे और रिजल्ट बताएंगे। अगर मैं जीता ना तो पावर कट नहीं होगा। अब हम फाइनल राउंड बताएंगे, जो भी जीतेगा वो हारने वाले को इज्जत देगा। आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा हम नहीं करने वाले, हारने वाले को नहीं मारने वाले, उनके चेहरे भी हम काले नहीं करने वाले। भले वो हार गए हो फिर भी हम उन्हें इज्जत देंगे, क्योंकि हमें हमारी मर्यादा पता है। ठीक है, अब मैं फाइनल बताने जा रहा हूँ। टोटल वोट्स मिले हैं 450, फर्जी वोट 20, हवाई जहाज को 230 वोट मिले हैं और कुर्सी को मिले हैं 200 वोट, यानी कि हवाई जहाज जीत गया है। गणेश, अब तुझे क्या माला दे दूं? गणेश, तुझे हारने का डर है ना, हारने के बाद जहर लेना और पी लेना कि तेरी इज्जत बचेगी नहीं। अब खड़े खड़े क्या सोच रहा है तू? अब गांव की नहीं सिर्फ तेरी बेइज्जती होगी। एसिड शकल पर नहीं फेंकेंगे, शकल भी काला नहीं करेंगे, भगा भगा के नहीं मारेंगे, गांव छोड़ने के लिए कहेंगे। पता है हम लोग क्यों हारे? क्योंकि तुम लोगों ने वोट नहीं किया। तुम लोगों ने भी तो बहुत सारे वादे किए थे ना, एक भी वादे पूरे किए? हम लोग तो वोट तुम्हें ही देना चाहते थे, लेकिन आखिर में हमने अपना मन बदल लिया। जो हमारे लिए हम उसके लिए। अगर तुम आगे रहोगे तो पीछे कैसे पता चलेगा, इसलिए चश्मा पीछे डालो। शक किया वो सही था, मैंने नारायण से पूछा था, उसने बताया सारा किया कराया उसी का है और वो उसमें कामयाब भी हो गया, और उसी की वजह से तुम्हें गांव से बाहर जाना पड़ रहा है, ये सब उसी की चाल है। उत्तपड़ी के लोगों को मैं मुट्ठी भर मिट्टी भी नहीं दूंगा तो मेरी बेटी कैसे दूंगा? अभी तो जिंदगी भर के लिए बनवास जाएगा, और जब तू वापस आएगा तुझे कुत्तपड़ी का सिर्फ वोट दिखेगा, गांव नहीं दिखेगा। अरे रे रे रे, मैं दो दिन यहाँ नहीं था तो क्या क्या हो गया? अगर मैं यहाँ होता तो ये सब नहीं होता। मैं ये गांव छोड़कर ना जाऊँ ऐसा चाहते हैं हम।
देखा जाए तो सच है। पकड़। मुझे इस गांव से भगाने वाले लोग कल को मेरे ही सामने रोते गिड़गिड़ाते हाथ जोड़कर मुझसे कहेंगे कि वापस आ जाओ, और मैं इस गांव में वापस आऊंगा। सुनो भाइयों, चाय कॉफी बहुत हो गया, बाकी लाइन में खड़े हो जाओ। चलो आगे बढ़ो थोड़ा। हाँ, थोड़ा राइट में हो जाओ, राइट में। ए, पैसा बराबर गिन के दे भाई। गांव से अगर 200 लोगों को खाली करवाएंगे तो बाकी के 400 लोगों का क्या होगा? नारायण बोलिए भाई। इस गांव में बियर की फैक्ट्री बनेगी। फैक्ट्री बन गई तो आसपास के 5 किलोमीटर का पानी लपेटे में आ जाएगा। पानी नहीं रहने से सारे जानवर मर जाएंगे, खेती बाड़ी भी बर्बाद हो जाएगी, और बाकी के जो लोग बचेंगे उनके लिए गांव में बियर बार बनवा दूंगा और बियर फ्री दे दूंगा। क्लोज करेंगे क्या? पहले तो तुझे ही क्लोज करूंगा। क्यों भाई? क्योंकि तेरा दिमाग काम नहीं करता। मुझे समझ में नहीं आया भाई। वो सब छोड़, तू एक काम कर, गाड़ी केरला लेकर जा। मैसेज करेंगे क्या? मैसेज इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, मसाज करने के लिए वहां जाना होगा। सॉरी सॉरी, क्या कर रहा है? सॉरी, मसाज का कुछ मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। देख रहा है कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। अबे ऐसे नहीं, ऐसे दिखेगा। लड़की का फोटो देखने के लिए मेरा दांत घिसे आ गया। ए, एक चाय देना। ए, हाथ मत लगाना, पहले 500 रुपया दे फिर चाय पीना। ए, एक चाय का 500 रुपया? जब तक गणेश था तब तक तो बहुत कूद रहा था, बाकी का पैसा दे फिर चाय पीना। अभी तो पैसे नहीं है लेकिन कार्ड चलेगा। ये ले, जल्दी दे। ये कार्ड तो चल ही नहीं रहा है। अबे काम कैसे करेगा मशीन में? दिमाग नहीं है, आधार कार्ड है ये। आधार कार्ड? गांव वालों ने जो खेत बेचकर तुमको पैसे दिए हैं, जाओ जा करके वहाँ से पैसे लेकर आओ और मेरा उधारी चुकाओ, और दोबारा उधार चाय मत पीना। ये जो मैंने चाय पिया उसका पैसा? भाई 2000 का छूटा नहीं है मेरे पास। आने जाने वाले जितने लोगों ने पिया सबका काट लो। मेरे पास में क्या बाद में मिल कहीं पे। गली के अहरे गहरे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा दोस्त कहाँ चला गया? कब आएगा वो? हमें फैक्ट्री बनाने वाली जगह पे सेंटर में ये एक एरिया हमें अभी तक नहीं मिला है, और उसने एडवांस भी नहीं लिया है। अगर वो जगह हमारे हाथ में नहीं आई तो हम फैक्ट्री नहीं बना सकते, और आपके गांव को फायदा भी नहीं होगा। अगर उसने साइन नहीं किया तो तुम लोगों को एडवांस पैसे वापस रिटर्न करना पड़ेगा, वरना लीगल एक्शन लेकर के तुम सबको अंदर करवा देंगे, समझे? अरे बहन, तुम अपने बेटे से एक बार बात तो करो। मैं क्या बोलूं, तुम लोगों ने गांव से भगाया है, तुम ही लोग बात करो। ओए, क्या यार, रात को भी तुम लोग परेशान कर रहे हो। टाइगर, तुम्हारी बगल में वो भैंसे जैसा काला आदमी कौन है? कौन ये? अरे ये तो अपने गांव का बहुत बड़ा नेता है। अरे ये तो इतना काला है कि दिन में दिखाई नहीं देता, रात में कैसे दिखेगा? आजा। हमें माफ कर दो भाई, तुम्हें गाँव से भेज कर हमने गलती कर दी। तुम अभी आके हमें बचा लो भाई। अबे क्या बगल के शहर में है जो बस पकड़ के आ जाएगा? अरे विदेश में है, ट्रेन से आना पड़ेगा, समझता नहीं है? अबे विदेश से ट्रेन आती है, बस नहीं। टाइगर पांडे के हाथ को तुम्हारा पैर समझ के हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, तुम लोग इतना गिड़गिड़ा कर पैर पकड़ कर माफी मांग रहे हो, इसलिए मैं वापस आऊंगा, लेकिन एक शर्त है। ठीक है गणेश। मेरे आने पर कूतपड़ी हिलना चाहिए, और वो देख के आलमपाड़ी हिलना चाहिए। जैसे तुम कहोगे वैसा ही करेंगे गणेश। नहीं हो भाई। तो ये भीड़ क्यों जमा हो रही है? आपके ना रहने से गांव में छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। ओ, तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? बताता तो टेंशन हो जाती, क्योंकि आप पहले से खुश थे इसलिए मैंने नहीं बताया। क्या हुआ था बता। ये कौन है रे? हमारे गांव के कुछ नेता अपने बच्चों को शहर में पढ़ाते हैं, और
गांव के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए कहते हैं। उनको लगता है गांव में पढ़े बच्चे तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मेरा दोस्त गांव में पढ़कर विदेश जाके आया है, उसका स्वागत कीजिए। ये गाँव का मुखिया कहाँ गया? अरे भाई, मैं ही इस गांव का मुखिया हूँ। गणेश ने हमें शेर का कपड़ा पहनकर पूरे गांव में नाचने के लिए बोला है, इसीलिए हम लोग नाच रहे हैं भाई। ए, ए, मेरे नकली शेर, वहाँ पे कोई मीटिंग चल रही है क्या? मीटिंग बंद करो यार। अरे वो बुला रहा है भाई, अगर हम नहीं नाचेंगे तो दस्तखत नहीं करेगा, इसलिए हम चलते हैं। कुत्ता गणेश जी आ गए हैं, वो हमारे दोस्त गणेश का स्वागत करने आए हैं, हम उन्हें जरूर मौका देंगे। चलिए चलिए, चलो गाड़ी लेके चलिए उनके पास। भाई आप बुरी तरह फंस गए, अब कोई रास्ता नहीं है। भाई और बहनों, ये जो शेर आ रहे हैं, ये है कुत्ता कट्टर जी, ये स्वागत करने के लिए आ रहे हैं हमारे दोस्त गणेश का। देखिए वो सब कहेंगे कुत्ता कट्टर जी। वो क्या है ना कि गांधी जी विदेश जाकर अपने देश का भला किए थे, और ये गणेश यहीं रहकर गांव का भला करेगा। शॉर्टकट में बताऊं तो आज का ये गोगल वाला गांधी है। और एक खास बात है, ये इसका गोडसे है। अगर गोडसे के बारे में बात करें तो एक घंटा निकल जाएगा, एक हफ्ता निकल जाएगा, एक महीना। इनके दो शब्द समाप्त हो गए हैं, अभी हम आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। इनका यहाँ आने के लिए बहुत ले रहा है बेटा। आपने जितने लोगों को बाहर भेजा था उसमें ये पहला आदमी है जिसकी आप इतनी तारीफ किए जा रहे हैं। ये सब कैलकुलेशन है। मैं समझा नहीं। तेरी समझ में बात आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तुझे समझ में आया ऐसी बात बोलो। बोलिए भाई। गाड़ी निकाल। हाँ, ये समझ गया। ए, आज तुम्हारा पेपर कैसे गया? मैथ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। पागल, आज मैथ्स का नहीं साइंस का पेपर था। ठीक है, अगली बार देख लूंगी मैं। ये क्या, ये मेरे लवर जैसा दिख रहा है ना? अच्छी तरह देख, ये तेरा लवर गणेश है। तुम गांव कब आए, मुझे क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताता तो तुम इस तरह गले मिलती? छोड़ो मुझे, उससे दूर रह के अच्छा लगता है ना तुम्हें? बुरा मत मानो, ये लो। पसंद आया ना? अच्छा है, लेकिन मैं नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि मैं टॉप्स वाली पहनती हूँ। कान में छेद नहीं है? नहीं, क्योंकि बचपन में कान में छेद करते वक्त बहुत रोती थी, इसलिए पापा ने कान में छेद ही नहीं करवाया। वो तो पूरे गांव को छेद कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कान में छेद नहीं करवा पाए। तुम्हें तो मेरे पिताजी हमेशा गलत ही लगते हैं। मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है? कल पूरे दिन तुम मेरे साथ रहोगे। रहूंगा, लेकिन तुम्हें कुत्ता पड़ी आना पड़ेगा। क्यों? आज का हमारा किसानों का मे डे फंक्शन और हमारा गणेश वापस आ गया है, इसके लिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी खेल का मुकाबला शुरू हो रहा है और मैदान में कूद के हमारे गांव के जवानों की तारीफ करने के लिए ताली बजाना भाइयों। सब लोग ध्यान से सुनो, सभी मुकाबले में सिर्फ गणेश ही जीतना चाहिए, बाकी सब हारने चाहिए। उसके दस्तखत करने तक उसको खुश रखना है, ऐसा भाई ने कहा है। ओके ओके। भाई हम लोग सब बैठ गए हैं, सीटी मारेंगे तो उठेंगे कैसे? अबे उठने की बात छोड़, पहले जीतने की सोच। बस ऐसी देखो, मैंने बुलाया उसे। लोकल चैनल वाली है, आज होगा सही मुकाबला। भाई जैसे ही मैं आज की रेस जीत जाऊंगा ना, वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। बस एक बार उसे मुझसे प्यार हो जाए, इन सभी लोगों को मैं आसानी से हरा दूंगा। प्रॉब्लम ये है कि तुम उसे आगे मत जाना, जैसे मैं जीत जाऊंगा वो मुझे मिल जाएगी। आज का मुकाबला डील या नो डील? दोस्त मेरे लव के लिए तूने हेल्प की, तेरे लव के लिए मैं हेल्प करूंगा। डील। शुरू करते हैं। 1 2। ये क्या कह रहे हैं, भाग रहा है, पीछे जा, पागल है। ए तू पहले क्यों भागा रे? ए तुम लोग क्यों नहीं दौड़ रहे हो? हां अरे बेवकूफ, पहले 1 2 3 बोला जाता है फिर भागा जाता है। अरे उसने 3 नहीं बोला तो उसमें मेरी क्या गलती है? ए इसके पैर के नीचे गोली मार। ए ए क्या कर रहा है? अरे गोली मत मार, आज का विनर हूँ मैं। क्या यार तुम लोग भागे क्यों नहीं? हाँ चल इधर आ, खड़ा हो। कुछ मालूम तो है नहीं, बस बातें बड़ी बड़ी। टाइगर कॉन्सेंट्रेट। रेडी 1 2 3।
मुकाबले में अचानक नया मोड़, टाइगर पांडे तूफानी गति से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी की बगैर सुने और अंधेरा इधर उधर भाग रहे हैं। ये देखिए इस तरफ से निकले, लगता है ये सबको पीछे छोड़ देगा, मगर आगे वाले से पीछे रुकने के चक्कर में और अचानक टाइगर पांडे धराशायी हो गए, जमीन पर गिर गए और भाग गए। दुश्मन ने दुश्मन हरा दिया इसने मुझे आज। अबे हटो यहाँ से, अरे चक्कर में भाग गया। इतना तेज क्यों भागे तुम? हाँ मैं तेज भागा तो स्लो था ये। अरे स्लो ही नहीं, रिवर्स भी भागा था मैं। तुम चिंता मत करो, आगे और एक गेम है, उसमें मैं तुम्हें जिताऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और अब इंतजार खत्म, अब दूसरा खेल शुरू हो रहा है लाठी घुमाने का। और ये टाइगर पांडे, अरे रे रे रे, देखिए किस तरह से तूफानी अंदाज में अपना लाठी घुमा रहे हैं। वाह क्या बात है, लगता है लाठी घुमा रहे हैं। टाइगर तुम्हारे हाथ से लाठी गिर के 2 मिनट हो चुके हैं। मुझे पता है, मैं अपने हाथ ऐसे ऊपर हिला के बॉडी को थोड़ा फ्री कर रहा था। ले ये ले। ये क्यों? मैं लाठी नहीं खेलूंगा, तुम ही खेलना। इसकी नोक से मेरे माथे पे टीका लगा देगा ना तो तू ही जीत जाए। ऐसे ऐसे खेलने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल तैयार नहीं हूँ मैं ऐसा खेलने के लिए। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं इस खेल का खिलाड़ी हूँ। खिलाड़ी है लकड़ी ला। लाठी आजा आजा, अरे आजा आजा ना, क्यों गया आजा। अरे ये नहीं आ रहा है। अरे तेरे बाल झोपड़ी में अटक गए है, इसकी झोपड़ी है या क्या है, क्या है ये? और ये देखिए खेल भी गए। मैंने क्या किया, खुद को टीका लगा लिया तूने? ये क्या है, देख रहे हो, ये तुम्हें किया है ना? ठीक है तू चिंता मत कर, आगे एक और गेम है, उसमें तुझे जिताऊंगा। पूरा गांव तुम्हारी तरफ है और मैं अकेला। ओके प्रॉमिस। प्रॉमिस। शुरू करें। और अब शुरू हो रहा है रस्साकशी का खेल। क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? ताकत नहीं है, किसी में भी ताकत नहीं है, कोई भी काम का नहीं है। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तीसरा गेम क्या किया तूने? एक और गेम खेले क्या? अरे 3 चांस थे, वो क्या कम था क्या? मैं उसे इम्प्रेस करने वाला था, लेकिन रुको तो मजा आया ना बच्चों? सुनो दिल बोले तेरे संग संग मैं डोलूं, चल चल संग तेरे चाहत के गोते लूं। दिल मेरा खो गया तेरी मीठी बातों में, मेरा चैन भी लूटा है तेरे गोरे गालों ने। भला कैसे हाँ मैं जीऊं तू ही बता दे। सुन दिल बोले तेरे संग संग मैं डोलूं, सुन सुन दिल बोले तेरे संग संग मैं डोलूं। चलो चलो संग तेरे चाहत के गोदे लूं, दिल मेरा खो गया तेरी मीठी मीठी बातों में। सुन मैंने चैन खोया कुछ मुलाकात।
दिल ये चल दिल पे न छोरी। सुनकर तेरी बातें हुई मैं भी नशीली, कैसे मैं बताऊं अपने दिल का ये हाल है। मेरी दिल का भी देखो वही हाल रे, चाहत ना ये होगा कौन चाहे मुझको मिले यारा जो गम हो। सुनो मेरे दिल बोले कुछ, मेरा भी दिल बोले क्या तेरा दिल बोले रे। हाँ संग तू चल मेरे। जो सताए तो मार भी खाएगी। कितना प्यार करती हूँ मैं कैसे ये कहूँ, मैं प्यार चाहूँ तुझको जाने ये जहाँ। लेकिन हमारा तू मुझे ले चल अपने साथ चल यारा। सुन गुनगुन दिल बोले तेरे संग संग ये डोले, तेरे संग दिल मेरा चाहत के गोते ले। सुनो सुनो दिल बोले, सुनो सुनो दिल बोले। सुबह से इंतजार कर रहे हैं लेकिन ये गणेश अभी तक नहीं आया। ए संभल के, ये चक्के के नीचे आ जाएंगे। हाँ भाई ये तो तुम्हारे सच में पैर में गिर जाएंगे। देखो ए वो कार का टायर है, हट। देखो ना, आइए आइए लो छाता पकड़ो। आओ गणेश, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ए ए गणेश साहब आए, चलो उठे चल। सर यहाँ कौन सी फैक्ट्री आएगी? अरे भाई जिससे सबको फायदा हो शुगर फैक्ट्री आएगी। क्या झूठ बोल रहे हैं सर, बियर फैक्ट्री खुलने वाली है मैं जानता हूँ। फैक्ट्री आने के बाद सबको काम मिलेगा ऐसा गांव वाले सोचते हैं, लेकिन ये गांव खत्म हो जाएगा ये मैं जानता हूँ। ठीक है, आपके साथ इस गाँव को धोखा देने के लिए मैं भी 2 करोड़ लेके आप जहाँ कहें वहाँ साइन कर दूंगा। सुनो भाई, गाँव में हर व्यक्ति को सिर्फ 6 लाख रुपए ही दिए थे। वो लोग भोले भाले हैं सर, लेकिन मैं नहीं। ओके, हम लोग आपस में बात करें, पहले तुम दस्तखत करो, मैं तुम्हारा फेवर करता हूँ। ठीक। नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें साइन नहीं करने दूंगा। What happened? नहीं देखो, अगर तुम्हें साइन करना है तो मुझे तुम्हें शेयर देना पड़ेगा, तभी तुम साइन कर सकते हो, समझे? छोड़ना साइन करने दे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या चाहिए तुझे? देखो मुझे शेयर चाहिए। कॉलर छोड़, वहाँ बहुत सी चेयर है, ले ले। ए, मजाक कर रहे हो क्या? तुम दस्तखत तभी करोगे जो तुम्हें 2 करोड़ मिलने वाले हैं, उसमें से तुम मुझे आधा मतलब 4 करोड़ दोगे तभी तुम साइन कर सकते हो, समझे? बेवकूफ, 2 करोड़ का आधा 1 करोड़ होता है। 2 करोड़ का आधा 1 करोड़ होता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे मैं तो जानता हूँ 2 का आधा 1 होता है, मगर मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा मैथ सही है या नहीं। ठीक है ठीक है, तुम्हारा मैथ सही है। जाना, मुझे दस्तखत कर। भाई उसने गेम शुरू कर दिया, मैं खत्म करूंगा। और मैं ये गाड़ी में रख। ठीक भाजू हटो। अरे कुछ बताएं, रुको मैं बताता हूँ। साइलेंस। उसको 1 एकड़ जमीन के लिए 2 करोड़ देना, इसको 2 एकड़ के लिए 4 करोड़ देना, और इसको 4 एकड़ के लिए 8 करोड़ रुपए देना। साहब भगवान की तरह बचा लिया आपने, नहीं तो ये हमें बेवकूफ बना देता। ये भी तो पार्टनर है, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या है, क्या डिस्कस कर रहे हो? आप लोग दे सकते हो या नहीं? ये हम कैसे दे सकते हैं? आपने एडवांस दिया है उसके बारे में सोच रहे हो ना? वो पैसे मैं दे देता हूँ, मैं इनके लिए इतना कर सकता हूँ। आप लोग जगह खाली कीजिए। सुनिए आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं नॉर्थ इंडिया जाकर बड़े फाइनेंसर को ले आऊंगा और इससे ज्यादा पैसे दिलवा दूंगा, चिंता मत कीजिए, जाइए। हाँ और गणेश,
तुम इस गांव की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी तो इस गांव को आपके बहन की गांव की तरह बहुत आगे लेके जाना है, और इस गांव की भलाई के लिए आप मदद करेंगे ये सोच के अच्छा लगा। चलता हूँ भैया, चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। नीचे करो, ठीक है सर। जाता हूँ सर। अच्छी खबर बताता हूँ कहकर उसने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। मेरी बहन के गांव के बारे में बात कर रहा था, लगता है वो मुझे जानता है। टाइगर, हमारे गांव में बियर की फैक्ट्री लाने के लिए इसने जगह खरीदी थी। अब गांव वालों को एडवांस दिलाने की जिम्मेदारी भी इसने ले ली। अब इतना बड़ा अमाउंट है तो ये जरूर उसमें पार्टनर होगा। ये पक्का कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। आपके काम में टांग भीड़ आया और साइलेंट होकर चला गया। मैं चुपचाप आ रहा हूं, उसे कैसे पता है? ये क्या भैया, आप ये सब कब से? पिताजी को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे। ये तो पिताजी के पीने के लिए है। पिताजी के लिए? आ गई, चलो अब शुरू हो जाओ। हाँ। क्यों भाई, आप तो पीते भी नहीं हो, फिर पीकर दिमाग क्यों खराब करते हो? मन नहीं मानता रे, एक लड़का एक लड़की को धोखा दे रहा है, प्यार के नाम पर उसकी जायदाद हड़प कर गांव का भला करने का नाटक कर रहा है और नाम कमाना चाहता है। अरे वो लड़का उस लड़की से प्यार नहीं करता है, सिर्फ जायदाद से प्यार करता है। ये बात तुझे तो पता है, लेकिन उस लड़की को पता नहीं है। क्यों भाई, कोई किसी को भी बेवकूफ बनाए, आपको तो कुछ पड़ी नहीं है। वो लड़का कौन है तू जानता है? कुत्ता पाड़ी का गणेश। तो उस लड़की का बेवकूफ बाप कौन है? अरे बाबू, आप क्यों सिर पर मारते हो? मैं अपने सिर पर मारना चाहता था, क्योंकि उस बेवकूफ लड़की का बाप मैं हूँ। अभी तक मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी हर इच्छा पूरी की, और कल उस लड़के से मेरी बेटी शादी कर लेगी तो मेरी हालत क्या होगी? मैं क्या करूँ तू बता। कल मैं उससे मिलूंगा और उसको कहूंगा कि तू मेरी सारी जायदाद रख ले, लेकिन भगवान के लिए मेरी इज्जत मत उछाल, मेरी बेटी को छोड़ दे। उसके पैर पकड़कर मैं उससे विनती करूंगा। नौकर होके मुझे दुख हो रहा है, नौकर होके मुझे दुख हो रहा है। लड़की के माँ बाप को बहुत दुख होगा अगर ये बात लड़की को पता चले तो। भाई शराब मत पीना, भाई मत पीना, मत पीना, मैं पीता हूँ। पीना नहीं है, नाटक कर। भाई जिद पर क्यों मारते हो, न पीते हो न पीने देते हो। भाई कल मैंने देखा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का एग्जाम चल रहा था ना, तो टीचर उसे डांट रहा था। क्यों? अरे वो एग्जाम में कॉपी कर रही थी भाई। कॉपी करना कोई बड़ी बात है क्या? सब करते हैं, उसने मुझे बताया था। ए, उसने टीचर से बहस की और टीचर ने उसके पेपर को पिन मार के उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। हा? क्या बात कर रहा है? अब वो इस जन्म में पास नहीं होने वाली। वो आपसे बात नहीं करना चाहती, आप जाओ। क्यों? आपने प्यार करने के लिए ये सब ड्रामा रचा, उसे पता चल गया। दुनिया के किसी भी लवर से पूछो, छोटा सा झूठ बोल के वो अपना प्यार हासिल करते हैं, और मैं तो इससे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उसे मना लूंगा, तुम जाओ। टाइगर, ये बहुत नाराज है यार, अब इसे मैं कैसे मनाऊं? अरे भाई वो बहुत नाराज लग रही है, अभी तू उसके पास मत जा। अब तो देखते जा मैं कैसे मामला सुलझा के आता हूँ, समझा? देखते जा। मेरी प्यारी बहना, तेरे लिए मैं लाया हूँ गहना, तू रूठी क्यों? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बेवकूफ तो मैं हूँ जो इनके बीच में गया। अरे हट जा भाई। ना मेरी वो बहन है, ना मैं उसका भाई। ए लीला, तुमने उसे क्यों मारा? तुम्हें मार नहीं सकती इसलिए उसे मारा। तुम झूठ नहीं बोलते, मुझे यही लगता था अब तक, लेकिन तुम तो सब लव करने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा तो लव ही झूठा है। क्यों, तुमने मुझसे लव किया था ना? मेरे पैसे से लव किया था या मेरे कैरेक्टर से लव किया था? बोलो ना, बोलो। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े थे? क्यों मुझसे लव किया था तुमने? बोलो, बोलो ना, बोलो। अब बोलते क्यों नहीं? लीला, मैंने गाँव की खातिर तुमसे प्यार किया था, लेकिन अब तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो ना। गांव के सभी लोग मिलके तुम्हें विदेश भेजे थे ना? अगर तुम्हें पैसे की इतनी चाहत थी तो मेरे पिताजी से मांग लिया होता। ऐसे प्लान करके मुझसे प्यार करने की क्या जरूरत थी? ए लीला, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, माफ करना मैंने तुम्हें बहकाया। तुम मत करो, मैं उत्ता कटन की बेटी हूँ इसलिए मुझसे लव किया था ना। अगर मैं गरीब की बेटी होती तो लव करते, एक गरीब की बेटी से बात करते तो? तुम्हारी औकात नहीं है मेरे पिताजी के सामने खड़े होने की। लीला, तुम्हारे पिताजी फ्रॉड है, जानती हो तुम? तुम मेरे पिताजी के बारे में कुछ नहीं कह सकते,
वो गांव के लिए भी सच्चे हैं और घर के लिए भी सच्चे हैं। और तुम गांव के लिए भी सच्चे नहीं हो और मेरे लिए भी नहीं। तुम तो फ्रॉड हो, झूठा लव करके मेरे पीछे घूम रहे थे। चीटर हो तुम, जाओ यहाँ से। गणेश, तुमने कहा था खुशखबरी सुनाने के लिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो खबर क्या है सुनाओ। सर वो अब नहीं बता सकते। क्यों भाई, बड़े उदास लग रहे हो, प्यार में धोखा खाया क्या? जी हाँ सर। संभल कर रहना, खुदकुशी मत कर लेना। वो आपके जमाने में था सर, जमाने के हिसाब से प्यार बदलता रहता है सर। आजकल क्या होता है जानते हैं? जमाने के खिलाफ जाकर अपने प्यार को हम जैसे लड़के मना लेते हैं सर। मैं भी मना लूंगा। क्यों रे, वो मना लेगा क्या? हाँ भाई मना लेगा। तुझे कैसे पता? क्योंकि वो पहले से चालाक है भाई। ये पानी में क्या देख रहे हैं? ये सावन का महीना खत्म होकर गांव वालों के त्योहार शुरू हो रहा है। मंदिर से बाहर आए स्वामी एक दिन कुत्थापड़ी में बाहर रहकर दूसरे दिन सुबह आलमपाड़ी वालों को दे देंगे। माँ के घर में रहे आलमपाड़ी वालों को एक दिन पूरा त्योहार मनाकर दूसरे दिन शाम को गांव के सीमा पर स्वामी को दे देंगे। यारे, जब दिल टूटता है तो लोग दारू पीते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, देवदास बन जाते हैं, पर तू तो आराम से घूम रहा है। दोस्त, फीलिंग्स को दिल में दबा के रखा है मैंने, मुझे इन सब के सामने दिखावा नहीं करना है। चल बॉल फेंक। नहीं नहीं, तेरी बॉलिंग अच्छी है तो मुझे लगता है कि तू बॉलिंग कर, मैं बैटिंग करता हूँ। पागल है क्या? मेरी बैटिंग अच्छी है, तू बॉलिंग कर। मुझे बस तू बॉलिंग ही करा। पिछले 10 सालों से उत्ता कट्टन जी ये त्योहार धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और इस बार भी इस त्योहार को हम धूमधाम से मनाएंगे। इसमें किसी को कोई ऐतराज है तो अभी बोलो। मुझे तू कौन है? मुझसे क्या परेशानी है? ऐसे बोलेगा तो कौन समझेगा? अच्छी तरह समझा। कैसे समझाऊं? क्यों भाई, कोई 1 साल की बच्ची को घूरे तो कुछ नहीं बोलते हो। 40 साल का आदमी ऊंची आवाज में बात किया तो उसके मुंह में आग लगाने की बात कर रहे हो। आग नहीं, मैंने उससे बताने के लिए कहा था, वो भी बेल दिलाकर। क्यों भाई, इस गांव के लिए ये त्योहार आखिरी होगा। गणेश को इस त्योहार का अध्यक्ष बनाकर उसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं। ढक्कन कहाँ है? यहाँ है। ढक्कन बंद कर सीधे खड़े हो जा। धोनी की तरह सिक्सर मारा तो गणेश को नेता बनाइए, अश्विन की तरह बॉलिंग किया तो टाइगर को सेक्रेटरी बनाइए, इस तरह गोल घूम घूम के मैंने कैच पकड़ा तो मुझे खजांची बना दो, तभी त्योहार अच्छा होगा। क्यों रे, नौकरी चोरी करके 6 महीने जेल में गया था, अब धूमधाम से त्योहार मनाएगा। सुनो भाई, मेरी बात मानो भाई साहब, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरी लाइदर, कौन हो तुम और मुझे क्यों फंसा रहे हो? दोस्तों ये कौन है मुझे पता चल गया है। कौन है ये? जब बचपन में हम नहीं सोते थे तो माँ बोलती थी सो जा वरना टकला आ जाएगा। ये वही टकला है भाई, ये वही टकला है भाई, ये वही टकला। ए, मैं तुझे पागल दिखता हूँ क्या भाई? मैं बचपन में बहुत क्यूट था भाई, भरोसा करो मुझ पर, भरोसा करो भाई। ठीक है टकले, अब हम तेरा भरोसा कर लेते हैं। थैंक्स भाई, अब देखो मेरी परफॉर्मेंस। ए उत्तर कट्टन, इस गाँव में इस भाई को नेता बनना चाहिए, तुम जैसे छोटे लोग नेता बनने के लायक नहीं हो। रुक जाओ, रुक जाओ। वो मुझे गलत कह रहा है तो तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? तुम लोग मुझे इतना चाहते हो? क्या नाटक कर रहे हो? तुम लोग हट जाओ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। उत्तन कट्टन, मैं तेरे घर में घुस के मारूंगा, तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। वो इतने गुस्से में बात कर रहा है तो करने दो, तुम लोग उसे मारना मत रे। मैं छोड़ूंगा नहीं। भाग रहा है, भागने दो, कोई उसका पीछा नहीं करेगा। आप जो भी करते हो कमाल करते हो। मैं घर में घुस के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये गणेश, आदमी को सेटिंग करके मारते हो? वो हमारा आदमी है क्या? ये बीच में मत बोल, तुम हमें मत समझाओ। ए, मुझे दो। इस तरह के गैर जिम्मेदार लड़कों को जिम्मेदारी दोगे तो वो सुधर जाएंगे और फ्यूचर में अच्छा काम करके अच्छी जिंदगी जिएंगे। नहीं भाई, ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। अभी ये बात विलन से बोल रहा है। सही है, ठीक है, हम इन लोगों से पूछ लेते हैं। गणेश को मैंने तो नेता मान लिया है, आप लोगों का क्या कहना है? ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, वो हार मुझे दो। ये कोई प्लान कर रहा है टाइगर? उत्तर पड़ी के नेता और आलम पड़ी के नेता मिलकर हार बना रहे हैं। मेरा सिक्सर तुमने देख लिया ना, बैट से मारते हो, मैं ब्रेन से मारता हूँ। हाँ, आपको ही कम है क्या सर? ठीक है, इस बार मैं कमेटी मेंबर बनकर गांव का त्योहार अच्छे से मना के देता हूँ। वो क्या है, आप लड़की वाले हैं,
और हम लड़के वाले। स्वामी की बात कर रहा हूँ मैं। ये स्वामी जी की बात कर रहा है, तुझे क्यों झटका लगा? इस त्योहार में गांव से शहर गए सभी को वापस बुलाऊंगा। गणेश, नेता बनना क्रिकेट खेलने की तरह नहीं है। अगर बाढ़ आई तो भी तुम ही जिम्मेदार होगे, और गांव में आग लग गई तो भी तुम ही जिम्मेदार होगे। गांव का ख्याल रखना। ये तेरा बॉल पकड़, चलता हूँ। वजह से एक दिन सब कुछ खाक हो जाएगा, जीना मुश्किल हो गया है हमारा। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ मंदिर से निकल गई तब आग लगी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अरे जितनी गलतियां लोगों ने किया ना घर में, आग तो क्या लोग भी जल जाते तो अच्छा होता। देख लिया, तब कटन ने कहा था ना कि अगर गांव में आग लगी तो ये आग उसी ने लगाई है, मैं उसे छोड़ूंगा। टाइगर, ये आग मैंने ही लगाई है। क्या बोल रहा है भाई? क्या खबर लाया है, गांव में आग लग गई क्या? जलने वाले घर को कैसे बचाएंगे भाई? आप गांव जलाने वाले थे और उसने गांव को बचा लिया। दोस्त, उसने आग लगाई होती तो गांव राख हो जाता। अब हमने अपने घर में आग लगाई तो गांव वाले अलर्ट हो गए हैं, यही मैं चाहता था। अरे भाई, आज तूने गांव को बचा लिया लेकिन आगे क्या होगा? टाइगर, मैंने कंप्लेंट कर दी है। अब ये उदकट्टन है ना, अपने गाँव की तरफ सर तो छोड़, पैर भी करके नहीं सोएगा। ये बात सब ठीक है, अगर ये बात लीला को पता चल गई ना तो मुझे लगता है कि तुम्हारा मामला बिगड़ जाएगा। इस कंप्लेंट से मेरा मामला बन जाएगा। चल चलो। पुलिस स्टेशन से फोन आते ही अच्छे अच्छों को हिचकी आने लगती है, अब इस हिचकी से क्या होगा पता नहीं भाई। उत्कटन, दो दिन अंदर रहेगा ना तो तेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तब गांव वाले तुझ पे थूकने आएंगे, इसीलिए मैं पुलिस कंप्लेंट करके आया हूँ। सर, आपकी हिचकी रुक गई सर। अरे देख लिया ना, फिर से हिचकी शुरू हो गई। गणेश, शौक देकर हिचकी रोक सकते लेकिन इस तरह कॉमेडी करके नहीं रोक सकते। अच्छा, क्या ये तुम कंप्लेन की बात कर रहे थे? सर, सच में मैंने आपकी जान बचाने के लिए कंप्लेंट की है सर। उस टकलू राजेंद्र ने आपको घर में घुस के मारने की धमकी दी थी ना सर, इसलिए मैंने खुद अपने घर को जलाकर आपने जलाया कह के पुलिस में कंप्लेंट दे दी सर। आपको पुलिस बंदोबस्त की जरूरत पड़ेगी ना सर, आप दो दिन अंदर रहिए, तब तक उसे ढूंढकर आपके सामने खड़ा कर देता हूँ। आपके लिए आपकी जान साधारण हो सकती है लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। इसने तो प्लान ही चौपट कर दिया भाई। नारायण, भाई ने अपना घर खुद से जला दिया है लेकिन हम अपने पैसे से उसे मजबूत बना देंगे। वो राजेंद्र बोल बच्चन है, वो नहीं मार सकता। सर, आम आदमी को आम मत समझिए, हाथी की मौत चींटी से भी हो सकती है, उसके बाद वो हीरो। तुम जाकर पहले केस वापस ले लो, बाकी का बाद में देख लेंगे। पहले उसे ढूंढेंगे सर, उसके बाद केस वापस लेने का सोचेंगे, ठीक है ना सर? चलता हूँ। ये सबका भला करते हैं लेकिन इनकी भलाई कौन करेगा? चलता हूँ भाई साहब। ये जरूरी था क्या? चलो अंदर चलो माँ। भाई, ये उदकट्टन, नाम लेने से ही हिचकी रुकी होगी भाई। पहले से ही रुकी हुई थी लेकिन मैं जबरदस्ती ले रहा था। मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ तो अपनी हिचकी नहीं रोक सकता क्या? भाई, हाँ, वो सीढ़ी के पास जो कचरा है ना, हाँ, उसे साफ करो ना। हाँ, कर रहा हूँ। गणेश, क्या है? लव लेटर? मेरे और लीला के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा गैप मिला तो चांस मारने के लिए तू चली आई। ए, ये लव लेटर देने वाली तेरी लवर है। हाँ, लीला ने दिया? ए, क्या लिखा था इसमें? वो वहाँ है, ये बात उससे पूछो। लीला लवर? गणेश लवर? ऐसा बोलूंगा सोचा था क्या? गुस्सा मेरे सर पे भी चढ़ता है, समझी ना? ए, छोड़ो भी, तुम्हारे लब पे शक किया गलत है। मेरे पिताजी की जान बचाने के लिए तुमने कंप्लेंट किया था ये मैं समझ गई। मैं भी तुमसे सच में प्यार करती हूँ। क्या कहा? लेकिन मुझे भरोसा नहीं है। भरोसा दिलाने के लिए क्या करना होगा?
भरोसा दिलाने के लिए यहाँ पर कंफर्म करना होगा। ये टाइगर भी ना। मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। गणेश लवर, हाँ? कल के त्योहार में जरूर आना। तुम मुझे नहीं बुलाओगे तब भी मैं आऊंगी, ठीक है ना? केस वापस लेना है सर। यहाँ साइन कर दो। थैंक्स सर। और भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ गणेश, आपने फोन किया और हम आ गए। भैया आपके बगैर गांव का त्योहार मन सकता है क्या? अब आप इसी गांव में रहिए। यहाँ रहने के लिए हमारे लिए क्या सुविधा है गणेश? भैया हमें सुविधा वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपनी जगह पे सुविधा बनानी चाहिए। आप गाँव में रहेंगे तो अच्छा ही होगा। बस आप देखिए, बहुत ही जल्द गाँव में सुविधाएं आएंगी। ठीक है गणेश, हम मिलते हैं। फिर मिलते हैं। ये कौन है पिताजी? ये हमारी टीचर का बेटा है, मैंने इनके पिताजी से शिक्षा ली है बेटा। मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी बतानी है। मुझे पता है, तुमने पिताजी पे किया हुआ कंप्लेन वापस ले लिया, यही ना? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? मुझे नहीं चाहिए ये गिफ्ट। मेरे सामने अच्छा बनने के लिए पिताजी पे कंप्लेन करके उसे वापस लेके नाटक कर रहे हो, हा? इसलिए मैंने भी प्यार का झूठा नाटक करके केस वापस लेने के लिए मजबूर किया। मेरे पिताजी सही कहते हैं, पसंद किसी को भी करो लेकिन उसकी औकात होनी चाहिए। मुझे लव करने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है। ये सब लो और निकलो। ए, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बताएगा? पंछी मन का उड़े, कौन दिल का दर्द सुने। हाँ हाँ, पंछी मन का उड़े, कौन दिल का दर्द सुने। अपने घर वालों को बोलो कि माँ का सम्मान करें, बोलो। सम्मानित करना है, चलो बजाओ। हम दोनों की बातें दूसरों को सुनाई नहीं देनी चाहिए, इसीलिए गणेश जब तुमने मेरी फैक्ट्री बनने में रुकावट डाली तभी मैंने अपनी कुंडली दिखाई थी। मेरी बेटी से प्यार करना ही तुम्हारा लक्ष्य है, जानकर अपनी बेटी से कहकर मैंने केस वापस करवाया था। आपने हमें अलग कर दिया, अब आपका लक्ष्य क्या है? अपने बहन के गांव में तो आप अच्छा काम कर रहे हैं और बहन की नज़र में अच्छा बन रहे हैं। आपने मुझे गांव से भगाया, मुझे लगा वो बाप का डर था, लेकिन हमारे गांव में फैक्ट्री लगाने का बेसिक प्लान आप ही ने बनाया था, तब मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन अब आप मेरे गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ए, रुक क्यों गया, जोर से बजाना। अच्छा हुआ, मैं भी बोलने वाला था, तुम मेरे मुंह पर थूकने वाले थे, ये दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। डर होना जरूरी है, मैंने भी आपकी हिस्ट्री पढ़ी है।
बेटी के मुंडन को मना किया था ना, इसीलिए मेरे गांव से बदला ले रहे हैं। और गांव में आने वाली हर सुविधा को आप आने ही नहीं दे रहे हैं। आप तो गांव को खत्म करना चाहते हैं और आप अपने आप को अच्छा आदमी कहते हैं। आप तो बड़े खतरनाक आदमी हैं, लेकिन अब आपके हाथों से सारी सुविधाएं लाऊंगा। गणेश, अगर तुम गांव के बादशाह हो तो मैं दुनिया का बादशाह हूँ। अगर तुमने सुई दिखाई तो वही सुई तुम्हारी आंख में डाल दूंगा। अगर तुमने चाकू दिखाया तो वही तुम्हारे सीने में घुसाऊंगा। सारा गांव मिलकर एक आदमी को मारे तो उसे कत्ल कहते हैं, लेकिन एक गांव दूसरे गांव को जला दे तो उसे दंगा कहते हैं। अभी का हाल यही है, हो सके तो खुद को और अपने गाँव को बचा लो। सुनिए, लीला का पासपोर्ट आ गया है। भाई, लड़की का पासपोर्ट? बाहर गांव भेजेंगे क्या? नहीं तो क्या, शहर जाने के लिए पासपोर्ट लगता है। उसे बाहर गांव भेजकर आप खुश कैसे रहेंगे? नहीं भाई? तो क्या, तू क्या चाहता है कि तू जैसे गधे के साथ उसकी शादी करवा दूं? शादी होने के बाद बीवी छोड़कर चली गई और मुझे ज्ञान देने आया है। जा यहां से। आप पर इतना विश्वास किया फिर भी आपने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं कौन हूँ अब बताता हूँ? कब तक मन ही मन में बोलेगा, जा यहां से। नमस्ते भाई। हाँ, क्या हुआ, कोई खास बात है? भाई, लीला मैम साहब को बाहर गांव भेजने की पूरी तैयारी हो गई है। कोयम्बटूर एयरपोर्ट से भेजेंगे, अगर आप चाहे तो उसे रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन भरोसा कैसे करूंगा? तूने उसे सब कुछ बता दिया? अरे नहीं भाई, नहीं बताया। नारायण, मेरा प्लान था कि गणेश को इस गांव से बाहर निकाल दूं, इसीलिए उस दिन मैंने तेरी बेइज्जती की ताकि तू जाकर उसे बोल दे। मेरे प्लान के अनुसार तू उसकी मदद करने के लिए हनुमान की तरह पहुंच गया। भाई मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे काम से निकाल दिया क्या? अभी तो सिर्फ कार की चाबी ली है, ड्राइवर और नौकर को जल्दी काम से नहीं निकालना चाहिए, मुझे पता है। ये टाइगर, वहाँ कौन बच्चा रो रहा है? अरे कोई नहीं रो रहा, ये फोन का रिंगटोन है, समझे? अरे तू क्या रिंगटोन लगा के रखा है? हेलो, हेलो, बाप रे ये क्या है, बाप रे क्या हुआ? अरे आदमी हमें फोन पे तंग कर रहे हैं। ए, तुझे भी बताना पड़ेगा क्या? फोन बंद कर। हेलो, पता नहीं कैसा रिंगटोन लगा के रखते हैं लोग। क्या कुसुर पुसुर कर रहे हो तुम लोग? अरे कोई बोलेगा भी? और तू वहाँ क्या कर रहा है? इधर आ, ये भी फोन कर रहा है, वो भी फोन कर रहा है, क्या हो रहा है ये? हम लोग बेवकूफ है क्या जो यहाँ खड़े हैं? इधर आ, वहाँ क्या कर रहा था तू? नेता मैं हूँ कि तू? रुक जा, बता। ए, क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैं आपके कान में बताता हूँ। ए बोलना, क्या हुआ बोल तो। भाई वो क्या है कि उत्तन कट्टन की बेटी को गणेश उठा के ले गया। तुम सब मुझे मारने पर लगे हो क्या? क्या हुआ? हमारे मुखिया की पत्नी को कोई उठा कर लेकर भाग गया। क्या बकवास कर रहे हो? नेता जी, आप चिंता मत करो, हम अपने गांव में किसी को नहीं बताएंगे। मेरी अम्मा, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, नहीं बताएंगे। धीरे बोल यार, आलन पड़ी वालों को पता नहीं चलना चाहिए। पहले यहाँ स्वामी को नीचे उतार कर, फिर उस गणेश को ढूंढ कर हाथ पैर तोड़कर, उस लड़की को यहाँ लाकर उन तक कट्टन से माफी मांगे, तभी जाके मेरे मन को शांति मिलेगी मेरे भाई। ए, बजाओ रे, ए, तुम लोग बजाना चालू करो। ए, यार रुक जाओ।
समधी जी, अरे वहाँ क्यों रुक गए? यहाँ आइए, स्वामी जी को साथ में लेकर आइए। ए, उत्कटन की बेटी को आपका गणेश उठा कर ले गया है, उसे यहाँ बुलाओ। ए, हमारी बातों का पता उन लोगों को कैसे चला? इतना जोर से चिल्लाओगे तो पता चलेगा ना। तेरी तो। ए, चुप रहो तुम लोग, जो भी बात होगी सॉल्व करेंगे, पहले स्वामी जी को भेजो। ए, ये प्रॉब्लम बातें करने से सही होगी क्या? इस तरफ लड़की आनी चाहिए, नहीं तो स्वामी जी उस तरफ नहीं जाएंगे। अरे बात तो मानो, क्या कर रहे हो तुम? स्वामी जी को यही नीचे उतारो। स्वामी जी को नीचे रखो। गई क्या? हाँ, क्या हुआ? उत्कटन ने नारायण को बेवकूफ बनाया और तुमसे झूठ बुलवाया है। सूरज उगने से पहले अगर वो लड़की यहाँ नहीं आई तो मैं सबको मार के स्वामी जी को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। ए, ये उत्कटन की चाला है, दोनों गांव वालों को लगता मत करने देना, मैं लड़की के साथ आता हूँ। स्वामी जी भी मेरे पास हैं और लड़की भी मेरे पास है, बिना लड़की के वो गांव जाएगा तो गांव वाले उसे मार डालेंगे, और लड़की को ढूंढने यहाँ आएगा तो हमारे आदमी उसे मार डालेंगे। मैं कौन हूँ? नहीं जानता हूँ भाई। सूत्रधार। क्या हुआ उसे? उसकी रक्षा करना माँ। उस तरफ जा, जल्दी उस तरफ जा। हाँ, ढूंढो ढूंढो जल्दी। ए, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? उधर जाओ, उधर छोड़ो। हाँ ठीक है। उसे अपने साथ ले जाकर सारे फसाद की जड़ ही खत्म कर देना। भाई, वो गणेश हमें मार के चला गया। भाई छोड़ो मुझे, ए, छोड़ो। क्यों कर रहे हो तुम? मेरे पिताजी को पता चलेगा ना तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। मैं तुझसे शादी करने के लिए उठा के लेके नहीं जा रहा हूँ, वहाँ 600 लोगों की जान बचानी है। बैठो अभी। गाड़ी निकाल। क्यों भाई? वो लड़की को ले गया, उससे पहले मुझे पहुँचना है।
सुबह हो गई, लड़की अभी तक नहीं आई। अरे तो गणेश आ जा रहे हैं। तुम लोग उसे कुछ मत करना, उसके गांव वाले ही उसे मारेंगे। इसने हमारी इज्जत नीलाम की है, इसके साथ साथ तुझे भी जला दूंगा। जला देगा? अगर इसे भागना होता तो ये वापस नहीं आता। ये वापस इसलिए है क्योंकि ये गांव का भला चाहता है, और तुम कहते हो गांव से भाग गया। अरे ये वो इंसान है जो तुम्हारे बीबी बच्चों के लिए गांव में अस्पताल बनाना चाहता था। मैंने तो सोचा कि मेरा दोस्त गलत है, लेकिन गलत तो तुम सब लोग हो जो इसे समझ नहीं पाए। ये तो गांव का भला करना चाहता था, समझे? गांव में स्कूल लाना चाहता था। ये स्कूल मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं इस लड़की से शादी करूं तो उत्कटन की बहन के गांव में जो सुविधाएं हैं वो हमारे गांव में भी आ जाएंगी। तभी मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी वजह से गांव के लोग, हमारे स्वामी और बाकी लोग ऐसे बीच सड़क में आ जाएंगे, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। आप सब लोग मुझे माफ कीजिए। अरे कब तक गांव के बारे में सोचेगा तू? अरे कभी तो अपने बारे में सोच लिया कर मेरे भाई। तूने इन गांव वालों के बारे में इतना कुछ सोचा, मगर इसके बदले में तुझे क्या मिला? सच बता, तू इस लड़की से प्यार करता है ना? माना कि गांव के भलाई के लिए ये सब किया, मगर तू इससे सच्चा प्यार करता है। लीला सच कहो तो तुम अभी तक गणेश को समझ ही नहीं पाई, वो तुम्हारे प्यार में जान भी दे सकता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? कहानी सुना रहे हो तुम? हम सब बेवकूफ हैं? बस कीजिए, आपकी तरह मैंने भी इसे गलत समझा था। हम दोनों प्यार करते हैं ये सच है। इसने मुझे किडनैप नहीं किया, ये सब गांव वालों को बताना होगा। चलिए आप सब लोग गलत समझ रहे हैं, गणेश ने मुझे किडनैप नहीं किया। मैं इससे प्यार करती हूँ इसलिए इसके साथ चली आई। भाई गांव की सीमा से कोई भी फोन नहीं आया, लगता है गणेश जीत गया। नहीं, हार गया, हार गया। अभी तो असल प्रॉब्लम शुरू होगी। क्यों रे, बातें कर कर के लड़की का मन को बहका दिया है? जाओ रे, उसे काट दो और लड़की को लेकर आओ। तुम्हारे पिताजी आके बताएंगे। चुपचाप स्वामी को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो या तुम रहोगे या हम रहेंगे। तुम लोग 100 को मारोगे, वो 200 को मारेंगे। हाँ, प्रॉब्लम नहीं, पहले हमारे स्वामी को भेजिए, फिर मैं लड़की को भेजता हूँ। सारी कमी तो मुझ में है, तुझे कैसे बताऊं यारा। लड़की को नहीं देखेगा, बात नहीं करेगा, बोल के द्रौपदी मां की कसम खा के स्वामी जी को ले जा। आज तुम लोग स्वामी को ले जाकर इस बात की क्या गारंटी है कि लड़की को लेकर नहीं भागेगा? कुल स्वामी तू ही तो है मेरे यारा, तुझ साना मेरे घर में बहू बन के नहीं आ सकी, लेकिन स्वामी का गांव में आना बहुत जरूरी है। ये जन्म गांव के लिए, अगला जन्म तुम्हारे लिए। मेरी उम्मीदों का दिया तू, कैसे जीऊंगी होके मैं दूं।
पिता की तरह हमारे दिल में बस चुके हो गणेश। भाई भाई लगता है वो जीत गया, धूमधाम से पटाखे फोड़ रहा है। वो तो सिर्फ पटाखे ही फोड़ रहा है। हाँ। मैं भूकंप लाने वाला हूँ। उत्तकटन जी, कल तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब आगे क्या करना चाहते हो भाई? ए, चलट, तेरी वजह से सब हुआ। ए, टाइगर, उत्तकटन आ गया है। अरे उसे बोलो कि चिल्लर नहीं है। उत्तकटन यहाँ क्यों आया है बताओ जरा मुझे। उस दिन हमारे गांव के नेता की पत्नी को कोई लेकर भाग गया था ना। अच्छा, उत्तकटन उसी की पूछताछ कर रहे हैं। चलिए चाचा चलिए। एक मिनट, तू बाहर आ भाई, वेट कर रहे थे ना। सर, गेटअप कैसा है मेरा? मेरा प्लान फेल हो गया, कमाल है। गणेश, तुम गांव के लिए अपने प्यार को मत छोड़ना, मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ। हेलो, मेरा भाई अभी शादी करने के मूड में नहीं है, जब होगा तब बता देंगे। ए, मैंने तो आप लोगों से कहा था इनकी बेटी के पीछे भागूंगा नहीं, ऐसा वादा किया था स्वामी से। क्या वादा किया था तुमने? मैंने कहा था कि लड़की का पीछा छोड़ दो, अब मैं ही अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ तो मना कर रहे हो? ये कौन सा वादा है तुम्हारा? मैंने अपनी बहन के गाँव में झगड़े करवाए मैं मानता हूँ, सच कहूँ तो मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पिताजी, आप क्यों उसके पैर पकड़ते हो? मैंने कहा उसके पैर पकड़े हैं, मैं तो सिर्फ माफ़ी मांग रहा हूँ। पिताजी, आपकी मान मर्यादा इज्जत सम्मान इतना बड़ा है, आप माफ़ी मांगो, ये मुझे पसंद नहीं, मैं खुद वहाँ चली जाती हूँ। आपका चश्मा पहन के जाती हूँ। भाई, ये तो आपसे भी ज्यादा बोलती है। गोगल लगाने के बाद मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे कोई अंधा मेले में खड़े होकर भीख मांग रहा हो। अपने जैसा समझ रहे हो क्या? मैं आऊंगा, ये बात तुम पहले से जानते थे। ससुर जी, आप यहाँ नहीं आए हैं, मैंने आने को मजबूर किया है। गांव के चंद लोग मेरी तारीफ करेंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने सारे इंतजाम कर लिए। चलो हाथ बनाओ। हमारे गांव की हिफाजत करने है उत्तकटन। रुक जाओ, आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ये प्यार के लिए ग्रीन सिग्नल देने वाला भगवान है। जरा जोर से बोलो। हमारे उत्तकटन करोड़ों में एक है। हाँ, शादी भले तुम्हारी हो रही है, नाम मेरा हो रहा है। ससुर जी, नाम आपका होगा लेकिन इज्जत मेरे गाँव की बढ़ेगी। रख लो। अरे पंडित जी रुक जाओ। अरे भाई, भगवान नाराज हो जाएंगे। क्या रे, मुंडन के बाद कान छेदते हैं? अरे हाँ यार। ए, तू जाके मुंडन करा, मैं कान में छेद कराती हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं सबको सच बताता हूँ। नहीं भाई, मेरी बात मानो। तू चुप रह। इंसान को जिंदगी में एक बार सच बोलना चाहिए। वो क्या है कि जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं इसके कान छेदवाने आया था। नहीं नहीं बोल के चिल्ला रही थी, तब बच्चे थी ना। नहीं नहीं बोल के। ये दर्द सिर्फ एक बाप ही जानता है और कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि जरा संभाल कर। तुम्हारे पिताजी आखिर तक नहीं सुधरेंगे, अब तुम ही कुछ समझाओ। बस कीजिए। इमोशन। सुन सुन दिल बोले, तेरे संग संग मैं डोलूं। सुन सुन दिल बोले, तेरे संग संग मैं डोलूं। चलो चलो संग तेरे, चाहत के